हेलो, चलिए क्लास आज शुरू करते हैं रिवीजन की। नेक्स्ट क्लास, आज की रिवीजन क्लास डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शुरू होता है सेक्शन 124 से, मतलब ये चैप्टर की शुरुआत होती है सेक्शन 124 से। मेरा डाउट, 124 से जाएगा ये सेक्शन चैप्टर 146 तक। 124 ऑनवर्ड टिल 146 हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 146 भी क्यों, 147 तक एक और है। 147 एमएस हो गया। 148 से बेलमेंट शुरू हो जाएगा। आई रिपीट, 148 से बेलमेंट शुरू हो जाएगा। अब देखो, मेरा डाउट आप लोगों से, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट हमने जो पढ़ा अब तक वो था सेक्शन 1 से लेके 75। सेक्शन 1 ऑनवर्ड लास्ट टिल 75। 75 वाले वो सीरीज याद है आपको, जो आपने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वो एंडिंग वहां पे हमने करी है कॉन्ट्रैक्ट की। ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 76 से 123 हमारे लॉ से रिलेटेड है, कोर्स में से नहीं, ओवरऑल लॉ से रिलेटेड है। ये क्या था सेक्शन 76 से 123 हुआ क्या करता था? रिलेट होने से पहले की थोड़ी सी बात बताता हूं। ये सेक्शन बात करता था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, कोई बच्चा बताएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872 में। तो उस जमाने में सोगा तो नहीं था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो 1930 में आया। तो उस जमाने में सेल की बात भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का प्रोविजन कहां पे लिखा हुआ था? सेक्शन 76 से लेके 123 तक, कौन से लॉ में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब भी कोई, पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था, जब भी किसी को सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना होता था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये सेक्शन फॉलो करता था। लेकिन 1930 आते तक हमारी गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि यार सेल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना चाहिए, उसका एक सेपरेट लॉ बना देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं सेक्शन को बेस बनाया और इनको बेस बना के इन पे कौन सा लॉ लिख दिया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और अब बोला आज के बाद जो भी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के इन सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। इन सेक्शंस को 1930 में डिलीट कर दिया गया, सेक्शन 76 से लेके 123 को। तो हमने 1 से 75 पढ़ लिए, 76 से 123 डिलीटेड है सिलेबस में से या लॉ में से? आज की क्लास शुरू कहां से होगी अब बताओ? 124 से। क्लियर? मेरा डाउट, सबसे पहले 124 टॉक्स अबाउट कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी। मेरा डाउट बच्चों, एक सिंपल भाषा में इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? यस, किसी को लॉस से बचाने के लिए, किसी को नुकसान से बचाने के लिए। इंडेमनिफाई मींस किसी को भरपाई करना, हिंदी में वर्ड होता है भरपाई करना, सुना होगा आपने वर्ड, किसी को लॉस की भरपाई करना इंडेमनिटी होता है। मेरा डाउट बच्चे, डेफिनेशन सेक्शन 124 क्या कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। भाई अगर तेरा कोई भी लॉस हुआ, चाहे मेरी वजह से हो बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर तेरा कोई भी लॉस मेरी या थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, तेरे को मैं उसकी भरपाई करूं। इन्हें भी को बोला, भी भाई तू सी से केस लड़, बी भाई तू सी से केस लड़, तेरा कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा। बी ने सी से केस लड़ा, बी केस हार गया, बी का 50,000 का नुकसान हो गया सी से केस लड़ने का। ये बी का जो नुकसान हुआ, सी ने 50,000 ले लिया, उल्टा बी से केस हार गया बी। मेरा डॉट, किसने भरोसा दिया था कि मैं भरपाई करूंगा? ए ने। तो क्या अब यहां पे लॉस सी की वजह से हुआ, भरपाई किसको करनी पड़ेगी? ए को। या लॉस किसकी वजह से था? लॉस बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। क्या बात क्लियर? दूसरा एग्जांपल, ए ने अपने ट्रक ड्राइवर को बोला, ड्राइवर भाई माल कलकत्ता ले जा। ड्राइवर बोला, बाऊजी जीएसटी पेड नहीं है, जीएसटी का बिल नहीं है माल में, रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो कहता, बेटा तू ले जा, कोई पकड़ेगा जो नुकसान होगा मेरी गलती है, मैंने जीएसटी के बिना तेरे को मैं भेज रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मैं बिना जीएसटी के तेरे को भेज रहा हूँ, कोई रास्ते में नुकसान होगा मेरी वजह से होगा ना, मैं उसकी तेरे को भरपाई करूंगा। यहाँ पे अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ट्रक वाले का 25,000 का जुर्माना लग गया। जुर्माना किसकी वजह से लगा? एक ही लापरवाही की वजह से, यानी कंडक्ट ऑफ कॉमन फर्स्ट, कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है या कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर है? तो यहाँ पे ये दोनों इंडेमनिटी में कवर्ड है। इंडेमनिटी का पर्पस किसी को प्रोटेक्ट करना है लॉस होने से। बच्चे, दो पार्टीज होंगी, जो प्रॉमिस करेगी मैं कंपनसेट करूंगा उसे इंडेमनीफायर बोलेंगे, और जिसे प्रॉमिस, जिसे कंपनसेट किया जाएगा वो इंडेमनिटी होल्डर होगा। क्या एक मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो लोगों के बीच में होगा? मैंने ट्रक वाले को बोला तो मैं इंडेमनीफायर हूं और ट्रक वाला, अच्छा एक बात बताओ, मेरे और ट्रक वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो है तो एक तरह का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ असेंशियल जो अपन ने पढ़े, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए। लीगैलिटी पे एक एग्जांपल याद आता है, मैं आपको बोलूं जा रोहिणी मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, जो नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गलत होगा क्योंकि इसका पर्पस इलीगल है। क्या मेरी बात समझ आए, इसका पर्पस ही इलीगल। तो मेरा डाउट नेक्स्ट हेडिंग विच लॉस इज कवर्ड। अब हमारे डेफिनेशन में कमी है, हमारी डेफिनेशन कहती है इंडेमनिटी में दो लॉस आएंगे, कौन कौन सा लॉस, लॉस बिकॉज ऑफ प्रोमिसर और लॉस बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी। लेकिन इंग्लिश लॉ हमारी बात से सहमत नहीं है, इंग्लिश लॉ इससे बड़ी सोचता है। इंग्लिश लॉ कहते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पर्पस है किसी को लॉस से बचाना, लॉस तो किसी रीजन से भी हो सकता है। इंग्लिश लॉ कहते हैं अगर लॉस नेचुरल क्लेमिटी से हुआ वो भी इंडेमनिटी में कवर होगा, रिपीट अगर लॉस एक्सीडेंट से हुआ वो भी इंडेमनिटी में कवर होगा। सब बच्चे बताओ गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को कोई डैमेज हुआ, वील कंपनसेट। अब आप बताओ मेरी गाड़ी को रोड पे ट्रक वाले ने मार दिया, गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अगर हम इंडियन लॉ को देखें, इंडियन लॉ कहते हैं ना तो अब इसमें किसने प्रॉमिस किया कंपनसेट करने का, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से लॉस हुआ, आवाज नहीं आई, या लॉस किसी थर्ड पार्टी ने किया, थर्ड पार्टी ने किया। मैं कहता हूँ ट्रक वाले ने भी नहीं किया लॉस, अचानक बिजली गिरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी सारी फूक गई, बिजली गिरेगी तो आग लग जाएगी, गाड़ी सारी फूक गई, अब बताना लॉस किसकी वजह से था। डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये इंडेमनिटी में कवर होगा, नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश लॉ कहते हैं यस एक्सीडेंट और नेचुरल क्लेमिटी के लॉस को भी कवर करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भैया नुकसान हो गया नेचुरल क्लेमिटी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, तो आपने लिखना है इस केस का नाम गजनन मोरवेश्वर। ये जो केस है 1942 में, ये इंडियन केस है, बट इसमें जो फैसला आया था वो किसको दिमाग में रख के आया था बच्चों, इंग्लिश लॉ को। क्या बात क्लियर, तो इंग्लिश लॉ हमारे लॉ से बियॉन्ड है। आई रिपीट इंडियन लॉ के हिसाब से लॉस बिकॉज ऑफ प्रोमिसर, लॉस बिकॉज ऑफ, लेकिन इंग्लिश लॉ के हिसाब से लॉस बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट भी आएगा, लॉस बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लेमिटी भी आएगा। तो पेपर में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई आ गया एक्सीडेंट को लेके तो आप मेंशन करना। ये बातें मैंने मॉड्यूल से उठाई हैं, मैंने खुद से नहीं बनाई, आप चाहो तो घर जाके मॉड्यूल चेक कर सकते हो। ये केस का नाम मॉड्यूल से उठाया गया। क्या बात क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूल कहता है फायर इंश्योरेंस। दोस्तों फायर इंश्योरेंस आग लगना, आप बताओ मुझे घर में आग लग जाए, हमने मॉल में आग लग जाए, ये मॉल फायर इंश्योर्ड है, अगर आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, तो मुझे बताओ मॉल में आग किसी बंदे की वजह से लगेगी, आंसर दो। प्रैक्टिकली कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट क्या है, कोई मुझे हेल्प करे, अ काइंड ऑफ अ नेचुरल क्लेमिटी, तो क्या इसमें कंपनसेशन मिलेगी। मॉड्यूल कहता है हाँ जी फायर इंश्योरेंस में कंपनसेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरीन इंश्योरेंस। शिप पे माल लोड होके जा रहा है, रास्ते में मौसम खराब हो गया, समुद्र में जहाज डूब गया, हमने मैरीन इंश्योरेंस करा रखी थी, अगेन लॉस किसकी वजह से हुआ, नेचुरल क्लेमिटी, क्या इसे भी इंश्योरेंस में कवर करेंगे, यानी फायर इंश्योरेंस एज वेल एज मैरीन इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कोई हेल्प करेगा लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में किसी का मॉनेटरी लॉस नहीं होता, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, आप बताओ मेरी हेल्प करो, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, इसमें बंदे का लॉस कैलकुलेट हो सकता है, यस और नो। लेकिन ह्यूमन लाइफ की, इंसान मर गया, मॉनेटरी कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको कहती है कि आपके मरने पर 50 लाख देंगे, तो ये मत बोलना कि वो 50 लाख इस बंदे के मरने की अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, अमाउंट ऑफ लॉस है। फायर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी किस में कवर नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या बात क्लियर, मेरा डाउट, क्योंकि ये लॉस मेजर नहीं किया जा सकता कि एक इंसान की क्या वैल्यू थी, कितने का लॉस हुआ, आप मुझे जवाब दो। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे फायर इंश्योरेंस, एक मेरी हेल्प करना, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस किसको देख के कराई जाती है, वैल्यू ऑफ द गुड्स को देख के। मैरी इंश्योरेंस भी किसको देख के कराई जाती है, वैल्यू ऑफ द गुड्स को देख के। लाइफ इंश्योरेंस किसको देख के कराई जाती है, बंदे की वैल्यू देख के। मेरा डॉट, ये बंदे का सर 5 लाख का है, ये बंदे की बॉडी 25 लाख की है, 2 लाते 10 लाख की है, ऐसे तो नहीं होता ना, होता बंदा लमसम में बोलते चले मैं 25 लाख की करा सकता हूँ, क्रेडिट स्कोर देख के। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बंदे के लॉस वैल्यू, आपको क्वेश्चन समझ आ गया जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लॉस को कैलकुलेट करा नहीं जा सकता। तो लाइफ इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आ जाए, इट इज नॉट कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंसेस।
मेरे ट्रक वाले को बोला, ट्रक वाले भाई जा माल लेके जा, क्या क्लियर? ट्रक वाला को बिना जीएसटी के माल भेज दिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया ट्रक वाले को, 25,000 का जुर्माना काटा। ट्रक वाला लॉस किसको हुआ कोई बताएगा, मेरे को या ट्रक वाले को? मैंने प्रॉमिस किसको किया था, मैं किसको कंपनसेट करूंगा? अब फिलहाल बताओ, मैंने अश्मित ने ट्रक को प्रॉमिस किया ट्रक वाले को, मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा, फिलहाल पुलिस वालों ने किसको चलान दिया, फिलहाल लॉस किसको हुआ है? फिलहाल पहले लॉस किसको हुआ? अब आप बताओ, जैसे ट्रक वाले को लॉस हुआ, मेरी लायबिलिटी कब कमेंस होगी? मैं इंडेमनीफायर हूं, जैसे उसको लॉस हुआ मेरी लायबिलिटी वैसे स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, उसका लॉस हो गया, कंसेप्ट सोच के बताना, उसका लॉस हो गया 25,000 का, वो पहले 25,000 देगा फिर मुझसे रिकवर करेगा दिल्ली आके? या ऑप्शन टू, वो मुझे कह सकता है सर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरे पास तो 25,000 नहीं है, अपने आप UPI करो। आंसर दो, क्या मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं, पहले तू लॉस बियर कर, बाद में मैं दूंगा। लॉ कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है। आपकी लायबिलिटी कब स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, बताओ? एज सून एज लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर बिकम्स एब्सोल्यूट। जैसे ट्रक वाले की लायबिलिटी पता लग गई 25,000 देने, वैसे किसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रक वाला पहले पे कर दे, बाद में मैं उसको कंपनसेट कर दूं। ऑप्शन टू, वो मुझे कहे सर आप डायरेक्ट पे करो पुलिस वाले को, मैं बीच में से बाहर निकल रहा हूं। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट ये क्वेश्चन देखना, कोई बच्चा आंसर देगा क्वेश्चन टू का? ए बी को क्या बोल रहा है, तू सी से केस लड़, तेरा कोई भी नुकसान होगा मैं 500 रुपए तक दे दूंगा। क्या लॉस की भरपाई करने की बात चल रही है? मेरा दिस इज नॉट गारंटी, दिस इज इंडेमनिटी। कैसे गारंटी क्यों नहीं है कोई बताएगा? अभी मैंने गारंटी तो नहीं पढ़ाया ना, अभी गारंटी तो नहीं पढ़ा, अभी इंडेमनिटी पढ़ा, तो इंडेमनिटी से जस्टिफाई करता हूँ। ए बी को क्या बोल रहे, तू सी से केस लड़, तेरा कोई नुकसान होगा अप टू 500 मैं दे दूंगा। यानी नुकसान बी का होगा, कमन फास्ट, हम बी को उसके नुकसान के क्या कर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्वेश्चन 9, 2008 का एक क्वेश्चन है, पढ़ना जरा ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट फुल्ली कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हाँ जी, फुल्ली कवर्ड नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा, फायर और मैरीन आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो इंडेमनिटी, सबको रिकॉल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। किसके राइट्स? इंडेमनिटी होल्डर कौन है जिसको हमने कॉमन फास्ट, क्या बात क्लियर? अब हम उसके राइट्स की बात करेंगे, सेक्शन कौन सा है दोस्तों? 125। मेरा डाउट, अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सब बच्चे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में आया, मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। कहां गया हैंड? शेप्स के साथ, थैंक यू, थोड़ी कम नॉलेज है ना? ओके, मेरा डॉट ए, ध्यान से सुनना, मैं सेक्शन 125 को जस्टिफाई करूँगा। 125, मिस्टर ए की एक बीवी है, मिसेज ए, और उनका एक बैंक में अकाउंट है जिसमें 25,00,000 पड़ा है। ठीक है, दो बातें मैंने आपको क्वेश्चन में बताई। मिसेज ए उनसे रोज लड़ती थी, एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को बोला चल मुझसे डाइवोर्स ले ले। बीवी ने बोला ठीक है जी, चलो कोर्ट चलते हैं और क्या ले लेते हैं, डाइवोर्स। डाइवोर्स हो गया, मिसेज ए आउट हो गई, बाहर हो गई। अब मिस्टर ए ने कमन फास्ट दोबारा शादी कर ली, अब एक नई मिसेज ए आ गई। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? अब एक नई मिसेज ए आ गई, शादी के कुछ दिनों बाद मिस्टर ए की मौत हो गई। अब मिसेज ए न्यू तो बेचारी रोने धोने की सेरेमनी में बिजी थी, पुरानी ने इसका फायदा उठाया, पुरानी बैंक पहुंच गई, मिसेज ए ओल्ड बैंक, मेरे पति की डेथ हो गई। अब बैंक को ना पता नहीं है डाइवोर्स का, बैंक बोला मैडम आपके पति की डेथ हो गई, आप डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए अपने पति का, अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना बैंक डिटेल दीजिए। मेरा डाउट, कमन फास्ट, बैंक डिटेल दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, अपना अपने हस्बैंड का क्या दिखाइए, कमन फास्ट, डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ मैरिज के रूप में कमन फास्ट, राशन कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड दिखा रहे हो या मैरिज कार्ड दिखा रहे हो? आजकल चलता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, आजकल कोरोना के बाद से ना एक नया पॉपुलर हो गया वर्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो मजिस्ट्रेट इशू करता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसकी होगी, लेकिन ये आजकल का कंसेप्ट है, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं इसको। मैडम ने अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाया म्युनिसिपैलिटी से जाके, बैंक डिटेल्स अपनी दी, अपना आधार कार्ड दिया और दोस्तों अपना राशन कार्ड दिया, बैंक को थोड़ी ना पता कि उसकी डाइवोर्स हो गया। बैंक ने
बैंक बड़े चलाक होते हैं, बैंक ने क्या देखा, ओके 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 ओके, कहता मैडम एक 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 काम और करो, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड बना के दे दो। अब मैडम को पता नहीं था इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, बैंक कभी बिना इंडेमनिटी बॉन्ड लिए तुम्हें पैसे नहीं देगा इस डेथ के केस में। अब वो मैडम कहती है ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होते हैं, कहता मैडम नोटरी पब्लिक होते हैं मार्केट में बैठे हुए, उनके पास जाओ स्टैम्प पेपर जो बेचते हैं वो बना देगा आपको इंडेमनिटी बॉन्ड। मैडम नोटरी के पास गई, बोली बैंक ना नोटरी नोटरी भैया बैंक वाले ना मुझसे क्या मांग रहे हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड। तो नोटरी ने कहा ओके मैडम कौन सा बैंक है, कहती वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो मुझसे कह रहा है मेरे हस्बैंड का 10 लाख तभी मिलेगा, 25 लाख तभी मिलेगा जब आप इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी बॉन्ड की लैंग्वेज नोटरी लिखता है, मैं आपको रफ में लिख रहा हूँ लैंग्वेज, आई हेयर बाय एग्री टू इंडेमनिफाई, आई हेयर बाय एग्री टू इंडेमनिफाई बैंक रुपी फॉर एनी लॉस सफर्ड टू इट ड्यू टू माई कंडक्ट और कंडक्ट ऑफ एनी, दोस्तों कंडक्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। मैं बैंक को कंपनसेट करूंगी अगर उसका मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस हुआ, हाँ जी, रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू माई हस्बेंड्स अकाउंट। क्या बात क्लियर, रिगार्डिंग हस्बैंड के अकाउंट से रिलेटेड बैंक का कोई भी लॉस, हर लॉस की भरपाई थोड़ी ना करूंगी मैं बैंक को, मेरे पति के अकाउंट से रिलेटेड बैंक का कोई भी लॉस हुआ चाहे वो मेरी वजह से हो चाहे किसी की वजह से हो उसकी भरपाई मैं करूंगी। मैडम ने इस पे साइन कर दिए, मिसेज एक्स इंडेमनिटी दे के आ गई, बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, बैंक को पेमेंट कर दी, मैडम को पेमेंट कर दी। कौन सी मैडम पेमेंट ले गई, अब उधर से मैडम न्यू वाली भी फ्री हो गई। अब मैडम न्यू वाली बैंक आई, बैंक मेरे पति की डेथ होगी, मैडम बोला अबे कितने मर गए, एक ही तो मरा है, कह रही लेकिन उस वो तो मेरा पति था, कहता मैडम उसके तो पत्नी पैसे ले गई, कहती पत्नी तो मैं हूँ वो तो डाइवोर्स ही है, प्रेजेंट वाइफ तो मैं हूँ। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप बताओ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको मानना चाहिए, जो डाइवोर्स रहे या जो प्रेजेंट है? कहती है मैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। कहता मैडम मुझे क्या पता तुम्हारे पति ने कितनी शादियाँ कर रखी थी, मेरे को थोड़ी ना इंटीमेट किया था। मैडम को गुस्सा आया, मैडम ने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग केस ठोक दिया, किसके ऊपर दोस्तों बताओ, मिसेज ए न्यू वर्सेस कॉमन फास्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा बोले हाँ जी बैंक बोलो, हाँ जी मैडम बैंक ने, मैडम ने केस किया, मैडम बोलो, बोली सर देखो एक बात बताओ, तलाक हुआ है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तलाक हुआ है, पुरानी वाली पैसा ले गई, मेरा प्रेजेंट वाइफ तो मैं हूँ। जैसे हमने बैंक से पूछा तुमने वेरीफाई नहीं किया, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज के घर पे पता नहीं कराया कौन रह रहा है घर पे कितनी बीवी है? बैंक कह रहा सर नहीं हमने नहीं करा। कहता तुम्हारी गलती, प्रेजेंट वाइफ ये है, लीगल हायर ये है, 25 लाख इनको दो। बोला सर मैं तो उसको दे चुका हूँ 25 पुरानी वाली को, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बैंक, तुमने दिया देना इनको था, 25 लाख इनको दो। बात आपको समझ आ गई, बात 25 लाख इनको दो। जैसे हमने मैडम की तरफ देखा, न्यू की तरफ, बोला मैडम और कुछ? सर 6 महीने हो गए पति की डेथ को, ब्याज भी तो बनता है, ये पैसा FD में रखती 7.5% का ब्याज है, 6 महीने लेट दे रहा 7%, 6 महीने के हिसाब से जो ब्याज बनता है मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। अब 25 लाख पे मेरा दोस्तों 25 लाख पे 7% मान लो रेट है FD का, 6%, क्या बात क्लियर, ब्याज की कैलकुलेशन समझ आ गई मेरा डाउट। कहती है जच्चा बोले मैडम और कुछ? कहती है सर कोर्ट में आने जाने का जो वकील का खर्चा हुआ, वकील ने 50,000 फीस ले ली, स्टाम्प पेपर वगैरह बने, कोर्ट की फीस तकरीबन 65,000 कोर्ट में लग गया फीस। कह रहा है चल बे मैडम को 65,000 फीस भी दे, डैमेजेस दे। मैडम और कुछ? कहती नहीं सर बस और कुछ नहीं। बेचारा बैंक, मान लो इस इंटरेस्ट को ना एक रफ आइडिया ले लेते हैं, मान लो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है, एक रफ आइडिया से इंटरेस्ट लिख दिया 1 लाख, बेचारे बैंक ने नई वाली को 25 लाख प्रिंसिपल, दोस्तों 1 लाख इंटरेस्ट और डैमेजेस कितने दिए, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट वकीलों का खर्चा कितना दिया 65, ये सब कुछ किसने दिया किसको? अब बैंक बेचारा उदास घर आया, घर आके कहता है यार एक दो औरतों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, एक 25 ले गई, एक 26.5 ले गई। लेकिन बैंक को ये कागज दिख गया, आहा ये कागज बैंक के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, समझ आ गया होगा आपको कागज। इस कागज पे मैडम पुरानी वाले ने क्या लिखा था, बैंक तेरा कोई भी लॉस हो चाहे मेरी वजह से हो मैं भरपाई करूंगी, क्या बात क्लियर। अब आप बताओ किसने किस पे केस ठोक दिया, बैंक ने मिसेज ए, दोस्तों कमन फास्ट, मिसेज ए एक्स पे ढूंढ दिया। अच्छा मैं नॉलेज के लिए पूछ सकता हूँ प्रॉमिस किसने किया था, एक्स ने बैंक को किया था, तो मिसेज ए एक्स इंडेमनिफायर है और बैंक क्या है, इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। अब बैंक ने केस डोला, बैंक बोला जज साहब इस औरत ने गलत काम किया, जज साहब ने बोला मैडम एक्स
आपको नहीं पता हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग? कहती सॉरी सर मुझको लॉ की नॉलेज। कहता मैडम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, 25 लाख आपका नहीं बनता, किसका बनता है? मैडम बैंक को वापस करो। चल बे बैंक, मैडम से 25 लाख ले ले। क्या बात, क्लियर है? ठीक है। कहते जनाब जैसा बोले चल बे बैंक, 25 मिल गया ना, चल निकल। कहते सर कैसे निकलूं, कैसे निकलूं? मैंने उनको ब्याज भी तो दिया है, मेरा डाउट इंटरेस्ट भी तो दिया है 1 लाख, मुझे वो भी चाहिए। और 65,000 मैंने डैमेजेस भी तो दिए, मुझे वो भी चाहिए। प्लस मेरा खुद का भी तो कॉस्ट आया है 2 केस लड़ने में, आवाज नहीं आई। और 25 लाख 2 बार देने में, 1 बार 25 लाख जो मैंने फालतू दिया उस पर मेरा भी तो ब्याज बनता है, प्लस कॉस्ट और इंटरेस्ट जो मेरा बनता है, ये वाला तो कौन सा हो गया दोस्तों, जो मैंने उसको दिया। और जब 25 लाख मैंने 2 बार दे दिया, बेटा मैथमेटिकल भाषा समझ आ रही है, देना 1 बार तो 2 बार दे दिया, तो 1 25 लाख पे तो मेरा भी ब्याज बनता है। और 2 बार केस लड़ा हूं, दोनों वकीलों को दिए होंगे पैसे, पहले उस वाले के पर इस वाले के, तो मेरा भी तो कॉस्ट आया। जज साहब सोच रहे हैं दिलवाएं या ना दिलवाएं। कहता जज साहब ये गलत बात है, पुरानी वली से तो पूछ पूछ के दिलवा रहे थे, मैडम और कुछ, मैडम और कुछ, और मेरी तरफ सोच रहे हो? इसने बोला है जो भी लॉस होगा मुझे देगी। बेचारी पुराने वाले रोने लग गई, सर 25 लाख लिए मैं देने को तैयार हूँ। जज साहब ने पुरानी वली की तरफ देख के क्या बोला, मैडम मुझे सहानुभूति है, आपने ये गलत साइन कर दिया। क्या गलत साइन कर दिया बेटा? आपने लिख दिया जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई आप करोगे, तो मैडम आपको 3 चीजों की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। कौन कौन सी 3 चीजें बेटा बताओ? मैडम डैमेजेस, मैडम कॉस्ट, और मैडम प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम मेरे एग्जांपल में कितना था? 25 लाख। 65,000 मेरे सम में क्या थी? कॉस्ट। और जो ब्याज था उसको मैंने क्या बोला? एक मैडम आपको देना पड़ेगा। ये कौन सा कॉस्ट, कौन सा सम, कौन से डैमेजेस हैं? ये वो तीनों हैं जो बैंक ने आगे पे किए। ध्यान से देखो, विच बैंक वॉज, ध्यान से बोलो, विच बैंक वॉज कंपेल्ड टू पे टू मिसेज ए दोस्तों न्यू। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट ये सब कुछ कौन किससे रिकवर करेगा, किसका राइट है दोस्तों? इंडेमनिटी होल्डर, अब कंसेप्ट बोलो, एग्जाम्पल खत्म। इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से, अगर इंडेमनिटी होल्डर का कोई प्रिंसिपल का नुकसान हुआ, कोई इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, कोई कॉस्ट हुई, वकीलों का खर्चा आया, तीनों चीजें इंडेमनिटी होल्डर किससे मांग सकता है? इंडेमनीफायर। बोलो बच्चे क्या अपन को सेक्शन 125 समझ आ गया? आवाज नहीं आई? यहाँ पे इंडेमनिटी खत्म होती है और 126 से क्या शुरू होता है दोस्तों बताओ? गारंटी। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, गारंटी में हमेशा याद रखना 3 पार्टीज होंगी, ए बी और सी। गारंटी में हमेशा 3 पार्टीज। क्या बात क्लियर? मेरा डॉट ए बी और सी। मेरा सवाल सपोज करो, मेरा क्वेश्चन बी सी को बोलता है, सी बोला बी भाई मुझे 1 लाख का लोन दे दे, मुझे 1 लाख का लोन दे दे, तो मेरा डाउट, तो मेरा डाउट बी ने बोला ठीक है मैं तेरे को 1 लाख का लोन दे देता हूँ सी, बट किसी की गारंटी लेकर आ। तो बी ने कहा जब गारंटी के लिए तो सी किसके पास आया बच्चों? ए के पास। ए भाई आप मेरे लिए गारंटी दोगे बी को? ए भाई आप मेरे लिए बी को गारंटी दोगे? ए ने कहा चल ठीक है। ए ने बी को गारंटी दी। क्या गारंटी थी दोस्तों बताना? बी भाई, बी भाई आप सी को 1 लाख का लोन दे दो, अगर वो नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। यहां पे बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्लियर मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ गारंटी किसने दी? ए ने दी। ए को बोलेंगे श्योरिटी। गारंटी दी किसको? बी को। किसके लिए दी? अच्छा बी और सी के बारे में अकाउंट्स की भाषा में बात करते हैं। बी को सी ने पैसे चुकाने हैं वापस, भाई 1 लाख का लोन है, सी को वापस करना है बी को। जब हमने किसी के पैसे देने हो तो वो हमारा डेटर होता है या क्रेडिटर होता है? सी ने किसको चुकाना है वापस? तो सी बी को अपना क्या मानेगा? और अगर सी नहीं चुका पाया तो किसको चुकाना पड़ेगा? तो ए भी बी को अपना क्या मानेगा? क्रेडिटर। तो ए और सी अल्टीमेटली बी को अपना क्रेडिटर मानेंगे, तो बी का नाम ही क्या रख दो? क्रेडिटर। अब उल्टा बी सी से पैसे लेगा और रिकवर करेगा, तो बताओ बी सी को अपना क्या मानेगा? डेटर। डेटर। अब अगर सी ने नहीं दिया तो किससे लेगा बी? तो ए भी उसका क्या हो गया? डेटर। अब दो डेटरों में मेन पहला डेटर कौन होगा? पहला डेटर। तो सी को इसलिए नाम क्या मिल गया दोस्तों बताओ? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल वर्ड समझ आया? पहला डेटर ये होगा। जो गारंटी देगा वो कौन है? जिसको गारंटी दी गई वो कौन है? और जिसके लिए गारंटी दी वो कौन है? गारंटी लोन के लिए होगी, जॉब के लिए होगी, या किसी भी चीज के लिए हो सकती है? मेरा डाउट ध्यान से सुनना, मेरा गारंटी कैन बी फॉर लोन, फॉर गुड्स, फॉर
एम्प्लॉयमेंट किसी भी चीज के लिए हो सकती है गारंटी। गारंटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज दी लायबिलिटी। हम प्रॉमिस पूरा करेंगे, ये बोल रहा है हम प्रॉमिस पूरा करेंगे या हम लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। किसकी, किसका प्रॉमिस हम पूरा करेंगे, किसकी लायबिलिटी हम डिस्चार्ज करेंगे? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है मेरे एग्जांपल में? सी। सी का प्रॉमिस हम पूरा करेंगे, सी की लायबिलिटी हम डिस्चार्ज करेंगे अगर सी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। ए बी को क्या बोल रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ए किसका प्रॉमिस पूरा करेगा, अपना प्रॉमिस या सी का चुकाने का प्रॉमिस? अगर सी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हम उसका प्रॉमिस या उसकी लायबिलिटी को हम डिस्चार्ज करेंगे। बच्चे बोलो क्लियर है? जो बंदा गारंटी देगा वो कौन है? जिसके लिए गारंटी दी, जिसको गारंटी दी, कमन फास्ट, क्रेडिटर। सब बच्चे अगला हेडिंग समझाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। ट्राइपार्टाइट का मतलब तीन, इसमें तीन एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट किसके बीच में, आराम से बताना। एक ए और बी के बीच में, यानी श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट है मेरा, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। बी ने सी को लोन दिया तो बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन हो गया। जॉब दी होती तो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब होता। बोलो बच्चे क्लियर है? ए और बी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? आवाज नहीं आई। बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। अच्छा, इनमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ए और सी में? इसमें इनके बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कैसे? अभी इंडेमनिटी पड़ा है। बच्चों एक बात का आराम से जवाब दो, अगर सी ने नहीं चुकाया तो कौन चुकाएगा? ए चुका देगा। क्या ए का लॉस हो जाएगा? अगर ए को चुकाना पड़ा तो ए का क्या हो गया? वो किसकी वजह से होगा? तो क्या ए सी से बाद में रिकवर कर सकता है एज अ इंडेमनिटी होल्डर? यस और नो? तो सी और ए के बीच में इंप्लाइड होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइड है कि अगर सी चुकाएगा, अगर ए ने सी का पैसा चुकाया, कमन फास्ट, तो बाद में ए किससे रिकवर कर लेगा? सी से। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या होगा बच्चे बोलो? इंडेमनिटी। क्या बच्चों ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट समझ आया? तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर है। कैन वी नाउ मूव? अब हम किस पे मूव करते हैं दोस्तों, बताओ? एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। बेटा स्पीड फास्ट है? आवाज नहीं आई? सब कुछ रिकॉल हो पा रहा है? हाँ जी, मेरा डाउट। सबसे पहला सवाल, गारंटी का पर्पस क्या होता है? ए गारंटी बी को क्यों दे रहा था? कि बी को लोन मिल जाए। आवाज नहीं आई? लोन मिल जाए, जॉब मिल जाए, किसी भी चीज के लिए गारंटी हो सकती है, पर्पस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सब बच्चे बताओ, ए के कहने पे बी ने सी को लोन दे दिया, ए को क्या मिला? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ए को क्या मिला? सब बच्चे बताओ, बी सी को लोन देगा, सी को क्या मिला? लोन। इस लोन पे सी बी को ब्याज देगा, तो मेरा डॉट बी को ब्याज मिल गया, दोनों को कंसिडरेशन मिल गई, ए को क्या मिला? यस, मेरा वैसे तो ए को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, तो वैसे तो विदाउट एग्री कंसिडरेशन एग्रीमेंट क्या होते हैं, लेकिन 127 ने क्लेरिफिकेशन दिया। 127 कहते हैं वैसे तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये अज्यूम माना जाएगा कि जो सी को मिला ना वो ए को मिला। क्या बोला, क्या बोला? सी को क्या मिला? लोन मिला। मान लो कि किसको मिला? ए को। मुझे लगता है लॉ मेकर ना, लॉ मेकर ये लाइन लिखते समय उन्हें मम्मी की याद आ गई। घर में अगर एक ही खाने में रोटी बची हो ना, और माँ और बेटा दोनों भूखे हों, तो बेटे को रोटी माँ खिला देती है, तो बेटा कहता माँ तू नहीं खा रही, तो माँ क्या बोलती है 127 की भाषा में? बेटा तूने खाई, मतलब मैंने खा ली। तो इस एग्जाम्पल में अगर सी को लोन मिला तो मतलब मान लो कि वो ए को भी मिला। ये तो वही बात हो गई। क्या बात, क्लियर? ये क्यों, मुझे नहीं समझ आया ये क्या लॉजिक था इसके पीछे। माँ बेटे थे क्या ये दोनों, कि तेरे को लोन मिल गया चल मैं मानूंगा, मेरे को मिल गया। ओके, अगला पॉइंट, कैन वी प्रोसीड? 127 समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। किसके बीच में लायबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए? बी और सी के बीच। डेट कौन ले रहा है? किससे ले रहा है? बी से। ये डेट एग्जिस्ट करना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब ये डेट इन्फोर्सेबल होना चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। को बच्चा बताएगा टाइम बार्ड माने? 3 साल पुराना हो गया था वो तो टाइम बार्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल, नो, ये देखो 142 143 को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। मैं मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो बुक है इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूल। पर फर्क है मेरी बुक में सिर्फ इतना कि मॉड्यूल में ऐसे हर पॉइंट के सामने हेडिंग्स नहीं होती। मेरे बुक में हर पॉइंट्स के सामने हेडिंग मिलेगी और बुक कलरफुल फॉर्म में है। क्या बात, क्लियर? मेरा डाउट,
अगला मैं रवि भैया को बोलूंगा कि इसको रवि सर को कि इसको ग्रुप में शेयर कर दे, इनके पीडीएफ आपको शेयर कर दो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो। अगला पॉइंट सर क्यों छोड़े, 142-143 आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, राइटिंग नॉट नेसेसरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी होगा कॉमन पास, रिटन भी होगा। क्या मैं क्वेश्चन पूछूं, इंप्लाइड भी तो हो सकता है, मेरा डाउट हमने तो पढ़ा, इंप्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटी अभी छोड़ दो, 142-143-144 एक साथ पढ़ाऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट सवाल, तो अभी जरा वापस आना, असेंशियल नंबर वन पर्पस होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडरेशन एक्सिस्टेंस ऑफ, और उसके बाद हमने चौथा पॉइंट पढ़ा, राइटिंग नॉट नेसेसरी, रिटर्न में हो तो भी चलेगा, रिटर्न में नहीं हो तो भी चले। आपका कौन, आपका लॉ में कितना हो गया अभी तक, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अब कंपनी पे आ गया, अब कंपनी पे आ गए, स्पीड अच्छी हो गई, काफी काफी आगे पहुंच गए आप, अब कंपनी पे चले गए। सबसे टफ क्या लग रहा है, नेगोशिएबल हो गया, अच्छा नेगोशिएबल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा एलएलपी भी नहीं हुआ, नेगोशिएबल भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको सबसे अभी तक टफ क्या लगा, सारे आसान है, सारे आसान है, कोई दिक्कत नहीं लगा, कॉन्ट्रैक्ट लेंदी है, कॉन्ट्रैक्ट लेंदी है, टफ तो नहीं लगा कुछ भी, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा टफ है नेगोशिएबल, हल्का सा मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें टेक्निकल बातें आएंगी। चलो वो मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो कर लोगे, डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो सीए इंटरमीडिएट में 2004 में आया था, मतलब इंटरमीडिएट में पूछ सकता था, फाउंडेशन में क्यों नहीं पूछ सकता, क्या बात, क्लियर। मेरा डाउट, क्या ये डिफरेंस आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैन वी प्रोसीड। अब आया नेक्स्ट हेडिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी की बात करेंगे, श्योरिटी की लायबिलिटी की बात करते हैं। मेरा डाउट लोगों, बच्चों आप लोगों से, सबसे पहला सबसे मेन पॉइंट ये है, श्योरिटी इज लायबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कोएक्सटेंसिव, सिमिलर। श्योरिटी की लायबिलिटी सिमिलर होगी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी की, मतलब एक बच्चा मुझे जल्दी से बताएगा, बी ने सी से 1,00,000 का लोन लिया, सी की लायबिलिटी कितनी है, सी कौन है, प्रिंसिपल डेटर। अगर सी की लायबिलिटी 1,00,000 है तो ए की लायबिलिटी भी मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 1,00,000। श्योरिटी की लायबिलिटी उतनी ही होगी मैक्सिमम जितनी प्रिंसिपल डेटर की, बट श्योरिटी चाहे तो बोल के अपनी लायबिलिटी कम भी करवा सकता है। क्या वो बोल सकता है, बी भाई आप सी को 1,00,000 का लोन दे दो, बट मैं 75,000 से ऊपर की गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो भाई मैं 1,00,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं बस आपको कितना दे पाऊंगा, तो बी ने कहा चल ठीक है मैं 1,00,000 दे रहा हूं, इसमें कम से कम 75,000 तो सिक्योर्ड होगा ना। अब सी की लायबिलिटी कितना वापस करना होगा, 1,00,000, लेकिन ए की लायबिलिटी कितना होगा इस एग्जांपल में, 75,000। अगर ए को कम करनी है तो बोलना पड़ेगा, अगर ए नहीं बोलता तो 128 क्या कहते हैं, जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी लायबिलिटी कॉमन फर्स्ट श्योरिटी। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट आप समझाओ मेरे को, मैंने कभी किसी बैच को नहीं सिखाया सेकेंड पॉइंट, श्योरिटी इज लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल। पहले सेकेंडरी का मतलब बताओ, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, भाई लोन प्रिंसिपल डेटर ने लिया तो वो चुकाएगा ना, प्राइमरी लायबिलिटी तो उसकी है। सेकेंड वर्ड है कंडीशनल है, कंडीशन क्या है, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा तो श्योरिटी दे। क्या बच्चों को बात क्लियर है, थैंक यू बच्चों। मेरे को देखो 17-18 साल हो गए, मैंने आज तक किसी बैच को ये पॉइंट नहीं समझाया, और आपने उस परंपरा को मेरी तोड़ा नहीं तोड़ा, आपने भी मुझे ये पॉइंट दोबारा समझाने नहीं दिया, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल, श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड। यदि क्रेडिटर धोखाधड़ी करता है श्योरिटी के साथ तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा। मेरा सवाल, अगर क्रेडिटर फ्रॉड करता है, क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है ये काम, किसके साथ करता है, धोखाधड़ी करता है, तो श्योरिटी चाहे तो प्रूफ कर दे कि मेरे को धोखा दिया गया। या आपने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एग्रीव पार्टी वॉइड कर सकती है या वॉइडेबल है, एग्रीव पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। कोई एग्जांपल बनाएं जहां पे श्योरिटी को धोखा दिया इन लोगों ने, इन्हें बोला मेरा सी ना, सी को इंडिया छोड़ के भागना है दुबई, सी बी के पास आया, बी भाई मुझे 20,00,000 दियो, मेरे को लोन चाहिए बिजनेस करना है, बी को पता लग गया कि सी 20,00,000 लेके भाग जाएगा, तो मेरा डाउट बी ने कहा तू मेरे से 20,00,000 लेके भागना चाहता है, कहता भाई तेरे को पता लग गया ये तो गलत बात होगी, कहता तेरे को भागना ही है ना, एक काम कर 20 की जगह 25 की बात करती है,
तुझे 20 चाहिए, मैं तेरे को कितना दूंगा, 25 दूंगा। तो एक काम कर, एक को मत बताइयो कि तूने भागना है, ये तेरे मेरे बीच की बात है। किसको जाके बोल दे, एक को, ए तेरे लिए मुझे कितने की गारंटी देगा, 25 की, मैं तेरे को 25 दूंगा बुक्स में, तू उसमें 10 मुझे वापस कर दियो, 15 लेके भाग जाइयो, तेरे को 15 का फायदा, मेरे को 10 का फायदा, और तू तो भाग जाएगा, मैं बाद में 25 पूरा किससे रिकवर कर लूंगा। ऐसे बी और सी फ्रॉड कर रहे हैं किसके साथ, तो यहाँ पे बताओ श्योरिटी लायबल या नॉट लायबल, बट श्योरिटी को पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। नेक्स्ट सवाल, श्योरिटी इज लायबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरा डाउट, अभी मैं इस पे 2 मिनट का हॉल्ट डालूंगा, क्यों साहब, मैंने अभी कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ाया नहीं है। श्योरिटी इज लायबिलिटी इन केस ऑफ को श्योरिटीज, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज को श्योरिटीज? अगर ए और ए डैश दोनों आ गए, दोनों ने मिलकर बोला भी भाई आप सी को 2 लाख दे दो, ये नहीं चुकाएगा, हम चुकाएंगे, क्या को श्योरिटीज आर जस्ट लाइक जॉइंट प्रॉमिसर्स? अब इस एग्जाम्पल में अगर सी ने नहीं चुकाया तो किसको चुकाना पड़ेगा, ए और ए डैश को, दोनों इक्वल चुकाएंगे अगर रेशियो साइलेंट होगा तो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, श्योरिटी इज लायबिलिटी मे बी डिपेंडेंट अपॉन सम कंडीशंस, क्या मतलब इस लाइन का, क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को किसी कंडीशन पे डिपेंड करा सकते हैं? ए ने बोला भी भाई आप सी को लोन दे दो, अगर वो आपका लोन नहीं चुकाता तो पहले आप उस पर कोर्ट में केस करना, और अगर 1 महीने में कोर्ट का फैसला नहीं आया तो फिर मैं दे दूंगा आपको पैसे। अब ए ने कंडीशन लगाई है कि अगर सी आपका पैसा नहीं चुकाता तो सीधा मेरे पास मत आना, पहले उसके ऊपर केस करना, 1 महीना वेट करना, अगर 1 महीने में कोर्ट का फैसला तो आप केस मुझे ट्रांसफर कर देना, मुझसे पैसे ले जाना। अब क्या अगर श्योरिटी ने ऐसी कंडीशन लगाई है तो क्रेडिटर को क्या ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? दोस्तों बताओ, क्रेडिटर नहीं करता तो श्योरिटी लायबल नहीं। क्या बोलते हो बच्चों, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करते हैं, काइंड्स ऑफ गारंटी। पहली गारंटी का नाम पढ़ो, क्या आया नाम पे जाओ, स्पेसिफिक गारंटी। ए ने बी को बोला बी भाई आप सी को 5 बार गुड्स दे दो, 5 टाइम्स 5 बार गुड्स दे दो, वो नहीं चुकाएगा हम चुका देंगे, बस कितनी बार उधार पे देना, 5 बार 5 बार, क्या 5 एक स्पेसिफिक नंबर है? 50 बार दे देना, क्या 50 बार भी एक स्पेसिफिक नंबर है? जब आप किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की गारंटी दो तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों बताओ, स्पेसिफिक गारंटी। क्या ये गारंटी, अगर आपने ए ने बी को बोला बी भाई 50 बार सी को गुड्स दे देना, तो ये गारंटी कितने के लिए, 50 ट्रांजेक्शन के लिए। बी सी को 50 बार गुड्स देगा जिसमें से 40 के पैसे सी ने चुका दिए, 10 के पैसे नहीं चुकाए, तो ए लायबल सिर्फ कितने के लिए होगा यहाँ पता, 10 के लिए, गारंटी खत्म होगी 50 के एंड में। क्या बात क्लियर है? अब ये कौन सी है दोस्तों बताओ, कंटिन्यूइंग, नाम पे जाओ कंटिन्यूइंग। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट है? ए बी को बोलते बी भाई जब भी सी आपसे लोन जब भी सी गुड्स मांगे ना उधार पे आप दे देना, अमाउंट की लिमिट रखते 10 लाख, 10 लाख तक जाए, कमन 10 लाख तक जाए तो रोक देना बी भाई, उसको बोलना पहले 10 क्लियर करे, वो 10 क्लियर कर दे फिर और दे देना उसको माल, फिर 10 हो जाए कमन फास्ट। ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट है या देर इज नो लिमिट? ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, बट एक ओवरऑल लिमिट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। अगर मैं बोलते बी भाई सी को जितनी बार मन करे गुड्स दे दो, वो नहीं चुकाता, कोई लिमिट है ट्रांजेक्शन की? कोई लिमिट नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी में ट्रांजेक्शन की कमन फास्ट कोई लिमिट नहीं होगी। बी ने सी को 200 बार गुड्स दे दिए, 201 बार देते लगा, जिस समय 201st ट्रांजेक्शन करने लगा ए का फोन आ गया, बी भाई कितनी बार दे दिए? बी बोला कहता बस अब रोक दो। क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को नोटिस देख के विड्रॉ किया जा सकता है? आवाज नहीं आई? सेक्शन 130 कहता है कंटिन्यूइंग गारंटी को कमन, लेकिन कितने के लिए रिवोक हो सकता है? जो 200 हो गए उसके लिए रिवोक हो सकता है या उससे आगे के लिए? फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक हो सकता है, पास तो हो गए। ए ने बी को बोला था बी ने सी को कितनी बार गुड्स दे दिए? 200 बार, जिसमें सी ने 150 का पैसा चुका दिया, 50 का नहीं चुकाया, तो ए कितने के लिए लायबल होगा? 150 का पैसा सी ने चुका दिया, बी का 50 का नहीं चुकाया, तो बस कितने के लिए लायबल होगा? 50 के। बच्चों बोलो कंटिन्यूइंग गारंटी समझ आया? आवाज नहीं आई? यस और नो? कंटिन्यूइंग गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका सेक्शन कौन सा है और इसे रिवोक करना है तो सेक्शन कौन सा है? 130। अच्छा क्या डेथ ऑफ श्योरिटी से भी रिवोक हो सकती है? कोई बच्चा समझाएगा? ए ने बी को बोला बी भाई जितनी बार मन करे गुड्स दे देना सी को, कुछ दिनों बाद ए की डेथ होगी, जिस दिन ए की डेथ हुई उस दिन तक बी ने सी को 130 बार गुड्स दे रखे थे, जैसे ही डेथ होगी क्या उसी दिन ए के घर वालों का फोन आएगा तो ये ऑटोमेटिकली गारंटी खत्म? किसके लिए खत्म, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए?
आई रिपीट माई वर्ड्स, किसके लिए खत्म है? फ्यूचर के लिए। लेकिन ये जो 130 ट्रांजेक्शंस हुए हैं, अगर इसमें से सी ने 80 का पैसा चुका दिया, 50 का पैसा नहीं चुकाया, तो क्या 50 का पैसा ए वालों के ए के लीगल हायर को चुकाना पड़ेगा? क्या बात कर, डेथ के केस में वही रूल होगा जो नोटिस के केस में होता है। आप चाहो तो नोटिस देके अपनी कंटिन्यू गारंटी विड्रॉ कर सकते हो सेक्शन 30, और आप चाहो तो डेथ अश्योरिटी की डेथ पे ऑटोमेटिकली कंटिन्यूइंग गारंटी विड्रॉ हो जाती है। सेक्शन कौन सा है बेटा बताओ? 131। क्या मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी सिखा दिया? तो अब आप हेडिंग पढ़ना जो मैंने छोड़ी थी, श्योरिटी लायबिलिटी इन केस ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिखा दिया? श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? जितनी बार बी ने सी को माल दिया उतनी बार श्योरिटी लायबल होगा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने टिक लगा दिया, ये मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत, ये वाला एक बार पढ़ना क्वेश्चन। एन नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में देखा मैंने ये क्वेश्चन। हाँ जी, आया समझ? आवाज नहीं आई? रिवोक करिए गारंटी नोटिस से या डेथ से? तो 130 नोटिस लगेगा। कंटिन्यूइंग गारंटी का डेफिनेशन 130 लिख देना, 131 नोटिस वाली बात लिख देना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेरा ए ने गारंटी दी थी, रवि ने गारंटी दी थी किसको? रवि बिकम्स गारंटर फॉर, रवि ने गारंटी दी है अशोक के लिए। तो रवि कौन है दोस्तों बताओ? अशोक के लिए दी, तो अशोक क्या है? प्रिंसिपल डेटर। किस बात की? नलिन कितना भी पैसा दे सकता है किसको? 6 महीने तक। किसको बेटा? अशोक को। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रहेगी, मतलब 1 लाख तक ही जाए, उससे ऊपर ट्रांजेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी लोन दो, लेकिन ओवरऑल लिमिट कितनी है? 1 लाख। कंटिन्यूइंग गारंटी है। 2 महीने बाद रवि अपनी गारंटी विड्रॉ करता है नोटिस देके। जब उसने नोट रिवोक किया तब तक नलिन 20,000 दे चुका था अशोक को। तो जवाब दो, क्या रवि जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज है नलिन को फॉर सब्सिक्वेंट लोन? यस, सब्सिक्वेंट के लिए 131 कहता है डिस्चार्ज है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर अशोक 20,000 जो लोन पहले से ले चुका है वो नहीं चुका पाया, तो क्या नलिन और अशोक उसके लिए लायबल होगा? यस, उसके लिए तो इज रवि लायबल? यस, रवि इज लायबल। अभी ये क्वेश्चन लिख के कर लेंगे, ठीक है? 129 130 लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बोलो जी, क्लियर है? चलिए अब अपन के अपने सामने क्या आ गया बच्चों, बताना जरा। 132 मेरा रोड। अब ये क्या 132? ये स्टूपिड सी बात करता है 132। हेडिंग पढ़ना, लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम, देयर वन शैल बी श्योरिटी फॉर अनदर्स डिफॉल्ट। मतलब क्या हुआ? देखो, दो कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ए और ए डैश दोनों ने बी को बोला, बी भाई आप सी को 2 लाख दे दो कमन फास्ट, अगर वो नहीं चुकाएगा तो। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या मैं बोल सकता हूँ? 2 श्योरिटीज है, को श्योरिटीज। आवाज नहीं आई? कॉन्ट्रैक्ट दिख गया आपको यहाँ पे। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट और देखो, ये तो हो गया फर्स्ट, अब एक और देखना। ए ने ए डैश को बोला, देख भाई ए डैश, हम लोग आपस में एक सेटिंग करते हैं, ए और ए डैश में, ए ने ए डैश को बोला हम दोनों की लायबिलिटी इक्वल है, अगर बी नहीं चुकाएगा तो हमें 1-1 लाख चुकाना है। एक काम करियो, तू प्राइमरी लेवल बन जा, मैं सेकेंडरी लेवल बन जाता हूं। मतलब क्या हुआ? अगर कमन फास्ट, अगर सी नहीं चुकाता तो बी को बोलियो भाई मैं पहले पूरे दे देता हूं, बी को तू पहले पूरे दे दियो, बाद में तू मुझसे ले लियो। क्या बात समझ आई? इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, भाई तू पहले उसको दे आई, वैसे तो लाइबिलिटी दोनों की थी, लेकिन इसने क्या बोला? अच्छा, वैसे रूल क्या था? वैसे ए और ए डैश की लाइबिलिटी, दोनों की लाइबिलिटी प्राइम थी, प्राइम लायबिलिटी थी, प्राइम लायबिलिटी, लेकिन ए ने क्या बोला ए डैश को? तू पहले दे दियो, बाद में मुझसे ले लियो। क्या बात क्लियर? अब मेरा डाउट, इससे हुआ क्या? सी ने पैसे नहीं चुकाए, सी ने पैसे नहीं चुकाए, अब बी किसको पकड़ेगा? ए, बी ए के पास पहुंच गया, ए भाई 2 लाख दो। ए बोला हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपस में, पहले ना आप ए डैश से ले लो, वो नहीं चुकाएगा ना तो मैं चुका दूंगा। लॉ कहता है लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरली लायबल, कौन है 2 पर्सन प्राइमरली लायबल? ए और ए डैश नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी फॉर अनदर। इसका मतलब क्या हुआ इस हेडिंग का दोस्तों, जल्दी बताओ? मेरा बी ने ए को बोला चल बे 2 लाख दे,
ये कहता है लेकिन पहले आप एडा से ले लो ना, ऐसा नहीं मानेगा बी, बी तो किसी को भी पकड़ सकता है, क्या बात क्लियर, बी को इनके बीच के ए और एडाश के एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्या बात क्लियर, बी इस एग्जांपल में ए से पूरे मांग सकता है। ये सेक्शन कौन सा बोलता है मेरे बच्चों, 132। हाँ जी ठीक, स्पीड चल रही है, चैप्टर तो खत्म होने वाला है। हाँ तो मैंने क्या बोला था, मैंने 131 बोल दिया था, सॉरी रेवोकेशन का तो 130 है, डेथ का 131 है। अच्छा क्वेश्चन में गलत बोल दिया मैंने, ओके क्वेश्चन में 129 डेफिनेशन लिखनी है और 139 नोटिस वाला लिखना है, 130 नोटिस वाला लिखना है, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कंसेप्ट तो गलत नहीं बोला मैंने, भावनाओं पे जाया करो बेटे, क्या बात क्लियर है, मेरा डाउट मेरा क्वेश्चन। अच्छा मैंने पूछा भी था तुमसे डेथ का केस है नोटिस का केस है, तुमने बोला सर नोटिस का, तो नोटिस पे तो 130 लगते हैं, बार बार नहीं बोलता फिर गलत बोल दूंगा, अगले पे चलो भाई, ओके मेरा डाउट। अभी बताइए राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के राइट्स की बात आई, किसके राइट्स, श्योरिटी के राइट्स। अभी मैंने दो मैराथन कराए, पहले लॉ वाले बच्चों को, एसीए इंटर के लॉ वाले बच्चों को जिनका जून मई में पेपर है उनको करवाया, अभी संडे को परसों ऑडिट वालों को पूरा दिन बिठाया, उनको 10 बजे सुबह बुलाया था, 5 बजे तक कहा था पूरा करा दूंगा, पहला वॉल्यूम खत्म हो गया, ये दो वॉल्यूम थे इंटर में ऑडिट में ना, दो बुक्स हैं, एक बुक खत्म हो गई थी 3:30 बजे, उसके बाद वो लंच लुंच करने बैठ गए, कहते सर आप दूसरा वॉल्यूम तो हम नहीं कर सकते, दूसरे वॉल्यूम में आप कृपया हमारे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करा दो हमारे को, हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, एक दिन में नहीं हो पाता यार रिवाइज, पूरा मैराथन में ना बच्चों की चटनी बन जाती है। आप अभी एक एक घंटा रिवाइज कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है, ये क्लासेस आपके ऐप में भी जा रही हैं, आप दोबारा कभी पढ़ोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है आप दोबारा सुन लो, क्या बात क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 घंटे आ जाओ, आप जब सिलेबस खत्म होगा सुबह आ जाना 8 बजे आ जाओ, अपन शाम को 5 बजे तक पढ़ेंगे, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, आप पे हिम्मत होनी चाहिए सुनने की, इंटर वालों में तो नहीं थी। बजाय उसके एक दिन करने के बजाय ना अपन क्या करेंगे, हम 2 दिन कर लेंगे, 6-6 घंटे की, 5-5 घंटे की 2 क्लासेस, एक क्लास में कॉन्ट्रैक्ट सो का करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट सो का कैसा, तो वो अपना छोटा एक उठा लेंगे, कोई एलएलपी उठा लेंगे, दूसरे में पार्टनरशिप नेगोशिएबल ऐसा कुछ उठा लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 2 पार्ट तो बेयरेबल होंगे, है ना, अगर आप कहोगे तो। चाहिए ओवरऑल रिविजन एंड में, चाहिए या नहीं चाहिए, रिविजन कराते रहो बस ओके नहीं लेकिन यार पास हो गए तो अच्छी बात है ना, अच्छा रिजल्ट आएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, क्लियर है। मेरा देखो वैभव सर और मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा है। वैभव सर बोले सर जितनी बार कहें उतनी बार रिवीजन कराओ, बस मुझे तो चाहिए इन बच्चों का रिजल्ट अच्छा, क्या बात क्लियर। सबसे कम नंबर आमतौर पे बच्चों के किस में आते हैं, नहीं पास तो लॉ में आप हो जाओगे लेकिन नंबर आपके कम आते हैं। नंबर अगर चाहते हो कि कम ना आए तो लॉ को लर्न करो, समझ लिया अब लर्न करो, लर्निंग पार्ट ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अब ये क्या हेडिंग है बेटा, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, श्योरिटी की राइट्स की बात करेंगे, यानी ए की राइट्स की बात करेंगे अगेंस्ट अगेंस्ट बी, ए के पास क्या राइट है अगेंस्ट बी। सबसे पहले राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटीज, सेक्शन 141 दोस्तों समझाना, बी ने सी को कितने का लोन दिया, बदले में सी ने अपनी बाइक गिरवी रख दी, किसके पास, बदले में सी ने अपनी बाइक गिरवी रख दी बी के पास, या गोल्ड गिरवी रख दिया, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, सी ने बी के पास लोन लेके अपनी बाइक या गोल्ड गिरवी रख दिया, अगर सी पैसा नहीं चुकाएगा पैसा किसको चुकाना पड़ा, ए लेके गया 1 लाख, लो बोला बी भाई लो पकड़ो 1 लाख, बी कहता लाओ दो, कहता है इस हाथ 1 लाख दो, उधर से बाइक की चाबी दो, कौन किसको बोला बाइक की चाबी दो, ए बी सी से बोलेगा बाइक की चाबी दो, बाइक तो बी के पास खड़ी है, किसको बोलेगा बाइक की चाबी दो, बी को, यानी कौन किससे बाइक मांग रहा है, श्योरिटी क्रेडिटर से, क्या मांग रहा है दोस्तों बताओ, सिक्योरिटी, या गोल्ड है तो गोल्ड मांगेगा, बाइक है तो बाइक मांगेगा। अगर मेरा डाउट बी ये बोले, कॉमन सेंस है, अगर बी ये बोले वो बाइक तो चोरी हो गई, तो मेरा डाउट क्या ये बाइक के पैसे 1 लाख से काट के पे करेगा, आवाज नहीं आई, 1 लाख की बाइक थी, मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ द बाइक 60,000 थी, तो 1 लाख से 60,000 काट के, कमन फास्ट
वो 40,000 बी को पे करेगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, राइट टू कॉमन फर्स्ट, राइट टू सेट ऑफ, शुरू करूं सेट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? नींद आ रही है? यार आज मैं बैठ के क्यों पढ़ा रहा हूं? अच्छा वो हैब नहीं, नहीं बच्चे कम नहीं, वो हैबिट पड़ गई दो दिन से, वो लॉ वालों के मैराथन हुए ना इंटरवलों के, उसमें तो वो लंबा पूरा दिन था, मैं नहीं खड़े होकर पढ़ाऊंगा, सवेरे 10 बजे बंदा खड़ा हो 6 बजे तक खड़ा रहे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो बैठ के, तो वो हैबिट बन गई। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बैठ के? नींद आ रही है? आवाज नहीं आई? मेरा एनर्जी लेवल कम है बैठ के? कम है? कह रहा हाँ कम है, बोल दे भाई कम है, हाँ कम है, खड़े होके पढ़ाऊँ? हाँ जी यार, वो ना एक दो बच्चों के मैसेज आए तुम्हारे में से, ना दो तीन बच्चों के मैसेजेस थे, सर वो रिकॉर्डिंग देखते हैं आपके, आप तो दिखते नहीं हो, आप तो छुपे होते हो, क्या आप दिख रहे? यही 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 ऐसे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, सर आप तो दिखते नहीं, आपकी आवाज़ दिखती है तो हम, मैं ऊँचा बोलता ना, हमें आपके एक्सप्रेशन देखने होते हैं, आपके एक्सप्रेशन तो दिखते नहीं है हमारे को। ऐसा ऐसा एक बच्चे ने नहीं करा, कई बच्चों का मैसेज आया, बच्चों ने वैभव सर को भी बोला होगा, वैभव सर भी बोले सर कहाँ घूम जाते चले जाते हो, मैं यार मैं घूम घूम के पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता लगता मैं कहाँ चला जाता हूँ, कहते सर कृपया, देखो मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं घूमूंगा, तुम्हें तो पता मैं वहाँ तक जाता हूँ, फिर मैं घूमूंगा पूरा, क्या बात क्लियर, फिर वो चलो उनको मचेगी जो ऑनलाइन देखते हैं, यार ये तो गलत बात है, क्लियर? वो बेचारा कह रहा मैं तो आया इस चक्कर में हूँ कि आप आज, ये पता क्या होता है शेट्स यार बैठ के पढ़ा रहे हैं, बैठ के पढ़ाना तो मुझे बोल देते मैं ऑनलाइन पढ़ लेता, हाँ आप तो भाई के साथ गलत हो गया वैसे, चलो एक टॉपिक अभी खड़ा होकर पढ़ा दूँगा, ठीक है तेरे को ऐसा भी ना हो कि मैं गलत आ गया, हाँ जी। लेकिन तू लाइव लेता है रिकॉर्डेड लेता है? लाइव में कुछ फर्क होता है इसके या सेम ही है? लाइव में आवाज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ओके। लाइव में फॉर्म मतलब समझ आया था सारा, इसका मतलब ठीक पढ़ाता हूँ फिर मैं तो, है लाइव वालों को भी समझ आ जाता है तो ओके। मेरा राइट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ एडजस्टमेंट को बोलते हैं, सेट ऑफ मतलब एडजस्ट, सेम एग्जाम्पल दोबारा, बाइक हटा दो, बी ने सी को कितने पैसे दिए थे, सी ने 1,00,000 नहीं चुकाए तो किसको चुकाने, ए 1,00,000 लेके गया बी के यहाँ पे, कहता भाई बी तेरे 1,00,000 देने थे, ए को याद आ गया बी को 1,00,000 देते समय, अरे भाई तेरे से हमने 10,000 लेने भी तो थे, मान लो बी का कोई पुराना डेट चल रहा था, इन्हें किससे लेने थे कुछ पैसे, श्योरिटी ने पहले से किससे पैसे लेने थे, बी से, कितने पैसे, पुराना को डेट था टाइम बार्ड नहीं था, पुराना को डेट था लेकिन टाइम बार्ड नहीं था, ये कह रहा है बी भाई याद है वो 10,000 का तेरे को माल सप्लाई किया था गर्मियों में, कूलर सप्लाई किया था, एक कूलर वाला एग्जाम्पल, बी बोला हाँ, कहता भाई तेरे 1,00,000 देने थे, वो कूलर तेरे को दिया था 10,000 का, तेरे से 10,000 लेने थे भाई, वो काट के 90 देने, बी बोला नहीं, कहता अबे चल तेरे से पूछ थोड़ी ना रहा हूँ, मेरा राइट है, मैं तो सेट ऑफ, सेट ऑफ माने एडजस्ट करूंगा, सेट ऑफ किस बात का करूंगा, अगर मैंने तेरे से कुछ लेना है तो वो लेने वाला पैसा देने वाले पैसे में से एडजस्ट कर लूंगा, क्या बच्चों को बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? एक तीसरा पॉइंट आपके मॉड्यूल में है, राइट टू शेयर रिडक्शन। अब ये क्या पॉइंट है राइट टू शेयर रिडक्शन? बच्चों आप सिंपल सी बात का जवाब दो, मुझे ये पॉइंट की जरूरत नहीं लग रही, मॉड्यूल में है तो समझाना पड़ेगा। बच्चों आप बताना जरा, ए बी सी तीन पार्टीज, मेरा बी ने सी को क्या बोला 1,00,000, सेम एग्जाम्पल, सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी सिर्फ 25,000 दे पाया, तो ए कितना देगा, क्या वो 25,000 जो किसने दे दिया कॉमन फास्ट, क्या वो रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल अमाउंट में से, क्या मैं बोल सकता हूँ ए की लाइबिलिटी 1,00,000 माइनस 25 सिर्फ कितनी होगी दोस्तों बताओ, 75। ये बोलने की जरूरत थी या ऑब्वियस ही बात है, ए ने तो ये कहा था ना बी को जितना, अगर वो नहीं दे पाया तो मैंने देना, अगर वो पूरा नहीं दे पाएगा तो पूरा मैं दूंगा, अगर वो पार्शल नहीं दे पाएगा, ये पॉइंट एक्स्ट्रा मॉड्यूल में डाल रखा है, इसका कोई सेक्शन नंबर भी नहीं है, क्या बात क्लियर? तो ये कॉमन सेंस दोबारा, अगर बी ने कुछ पार्ट दे दिया तो ए बाकी बचा हुआ पार्ट ही देगा, क्या है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। तो ये किसके राइट्स किसके अगेंस्ट थे, जल्दी जल्दी, श्योरिटी के राइट थे अगेंस्ट। अब आई दूसरी हेडिंग, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेट। आपकी बार श्योरिटी के राइट लेकिन किसके अगेंस्ट, आपकी बार ए बी से कुछ नहीं बोलेगा, आपकी बार किससे बोलेगा, सबसे पहले सी से सबरोगेशन मांगेगा,
सेक्शन 140 सबरोगेशन, सबरोगेशन का मतलब किसी दूसरे का जूता पहन लेना, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर, किसी दूसरे के अधिकार ले लेना, यस स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन, मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल सी बात है, पहले सबरोगेशन का मतलब फिर टॉपिक से रिलेट करेंगे, पहले सबरोगेशन का मतलब, आपकी जगह क्लास में ये बच्चा आपका भाई आके बैठ जाए तो आपके भाई ने आपको क्या कर दिया, अंग्रेजी में बोलते सब्स्टिट्यूट कर दिया, लॉ में सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, सबरोगेट कर दिया, आपका भाई आपकी जगह आके बैठ गया क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, सब बच्चे बताओ, बी ने सी को कितने पैसे दिए थे, 1,00,000, सी बदले में 6% ब्याज दे रहा है बी को, क्या बात क्या, और साथ में एक शर्त और है बी की, 6% ब्याज दे और हर महीने एक पिज्जा खिला, ये कंडीशन किसने लगाई थी लोन देते समय, अबे लोन देते समय सी कंडीशन लगाएगा या बी लगाएगा, बी ने क्या कंडीशन लगाई थी, लोन दे रहे हैं इस लोन पे ब्याज चाहिए कितना परसेंट, 6% और साथ में हर महीने एक डोमिनोज का बड़ा वाला फुल साइज वाला पिज्जा चाहिए वेज वाला, क्या बात क्लियर। अब कुछ दिनों बाद नीरज और सी नहीं चुका पाया तो किसको चुकाना पड़ा, सी प्रिंसिपल नहीं चुका पाया, किसने चुकाया, ए ने चुकाया, क्या ए बी की कुर्सी पे आके बैठ जाएगा, ए बी की पोजीशन सबरोगेट कर देगा, ए बी, ए किसको अब बोलेगा, बी को कुछ नहीं बोलेगा, बी तो पैसे लेके निकल जाएगा, ए बी की कुर्सी पे आके बैठ जाएगा, समझना। अब एक एक किसको फोन करेगा, सी को, हाँ भाई ब्याज और पिज्जा लेके आ जाइयो, तो बी सी बोलेगा ब्याज और पिज्जा ये तो मैंने बी को बोला था देने को, आपको थोड़ी ना बोला था, कहता भाई तूने बोला या ना बोला, सेक्शन 140 कहता है जब हमने अगर किसको पे कर दिया, श्योरिटी बोला, जैसे ही हमने किसको पे कर दिया, क्रेडिटर को, हम उसकी पोजीशन को सबरोगेट करेंगे, हम उसकी पोजीशन पे आके बैठ जाएंगे, जो तू पहले उसको देता था अब तू वो मुझको देगा, पिज्जा ले आइयो गरम गरम, क्या मेरा डाउट, सी को लेके जाना पड़ेगा, आवाज नहीं आई यार बच्चा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो बोल दो, मेरे को ना ऐसे उल्टे सीधे एग्जांपल देने में मजा आता है, जरा ए और बी वाले एग्जांपल अपने को ना समझ थोड़े कम आते हैं, अपने को कम समझ आते हैं, मेरा मेरे साथ तो फाइनल के बच्चे बैठते हैं, फाइनल वालों को पढ़ाता हूँ ना वो भी हंसते हैं, वो मेरे से इंटर फाउंडेशन में पढ़े, इंटर में पढ़े, फाइनल में आ गए, अब है तो अपने बच्चे मेरे लिए तो फाइनल वाले भी बच्चे ही है, मैं उनको बोलूंगा ओ तुझे पता लॉ मेकर मिल गया, उसने लड़की छेड़ दी, हाउस पे कौन सा लॉ लग गया, वो हंसेंगे फाइनल वाले, कहेंगे सर अब तो बड़े हो जाओ, मैं कहा मैं बड़ा हो जाऊँ मैं बड़ा हो जाऊँ, कहते नहीं सर समझ यही एग्जांपल आते हैं समझ, मैंने कहा यार देखो एक बात बताओ, विजय माल्य पैसे लेके भाग गया, अब तुम पैसे लेके भागोगे, उन्हें पढ़ा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पढ़ाता हूँ, मैं कहा देखो पैसे लेके भाग गया, अब साला उसकी बीवी यहीं रहेगी, उसकी बीवी से ले सकते हैं, मैं मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन है, उसके लीगल आर लायबल होंगे, कहते सर ये बीवी वाली बात तो समझ आ गई कि बीवी देगी ये पे करेगी, एग्जाम्पल ऐसी समझ आती, सीधे एग्जाम्पल समझ नहीं आते, मेरा डाउट, कैन वी नाउ प्रोसीड, सबरोगेशन समझ आया, सबरोगेशन के बाद 145 राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, सब बच्चे बताओ, मैंने बार बार बोला क्या ए और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इम्प्लाइड, अगर सी नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा, लेकिन ए बाद में किससे रिकवर कर लेगा, क्या क्या रिकवर कर लेगा, 125 याद करो, प्रिंसिपल सम कॉस्ट, किसका राइट है किससे रिकवर करना, श्योरिटी का राइट है सी से, सारा कुछ रिकवर करना है, जो भी किसका लॉस होगा भाई, ए बी एक किसको पे करेगा जल्दी बताओ, बी को, ए ने बी को प्रिंसिपल दिया मान लो, इंटरेस्ट दिया मान लो, कॉस्ट दिया, ए बी को जो जो देगा वो उसका राइट है सी से रिकवर करने का, सेक्शन कौन से में बेटा बताओ, 145, क्या बच्चों को बात क्लियर है, मेरा डाउट, अब कौन सा आ गया बच्चों जरा बताना, 146 147, मेरा डाउट, अब 146 को श्योरिटीज जल्दी से बताना, व्हाट वाज को श्योरिटीज, बच्चे देखो मेरा डाउट, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, ए और ए बी सी ने, देखो यही वाला एग्जांपल है, ए बी सी ने डी को बोला डी भाई तो 3,00,000 रुपए दे दे ई को, अगर वो नहीं चुकाएगा हम तीनों चुका देंगे, रेशियो साइलेंट छोड़ा, अगर रेशियो साइलेंट छोड़ोगे तो क्या इक्वली लायबल होगे, और आप चाहो तो रेशियो बता भी सकते हो 3:2:1, अगर आपने रेशियो बता दी तो उस रेशियो में लायबल होगे, रेशियो नहीं बताई तो इक्वली लायबल होगे, अगर मेरा डाउट ई ने नहीं चुकाया, सॉरी ई ने नहीं चुकाया तो इन तीनों की लायबिलिटी है, अब जॉइंट प्रॉमिस का रूल याद करके बताओ, ई ने नहीं चुकाया डी किसको पकड़, क्या सी से पूरे 3,00,000 मांग सकता है वो,
बाद में सी ए और बी से एक एक लाख रिकवर कर ले, क्या बात क्लियर। लेकिन एक सेक्शन बड़ा अजीब है 147, बहुत अजीब है। ये कहता है अगर कोश्योरिटी बाउंड है डिफरेंट सम्स में, मतलब वो लाइबल है लेकिन डिफरेंट सम्स उन्होंने दी है। देखो ध्यान से सुनना, ए बी सी आर श्योरिटी फॉर डी, ए और ए बी सी ने श्योरिटी बने हैं किसके लिए, उन्होंने सेवरल बॉन्ड बॉन्ड बनाए, बॉन्ड मतलब लिख के गारंटी दी है, क्या बात क्लियर। अलग अलग पेनल्टी लिख के दी है, ए ने लिख के दी है 1 लाख का कॉमन फॉल्स, बी ने कितने का लिख के दिया 2 लाख का, और सी ने कितने का लिख के दिया, किसके लिए लिख के दिया, किसको लिख के दिया दोस्तों, मेरा डाउट। यानी देखो क्या इन्होंने तीनों ने अलग अलग अमाउंट लिख के दिया। अब सब बच्चे बताओ, मेरा डाउट कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, मेरा डाउट। यानी मेरा डी यहां हो गया, ई यहां आ गया। बच्चों इस एग्जांपल में ए बी सी ने किसके लिए गारंटी दी है, डी के लिए। किस रेश के किस अमाउंट अमाउंट बॉन्ड अमाउंट बताओ, कितने सम में गारंटी दी, 1 लाख की इसने दी कॉमन फर्स्ट, 2 लाख की इसने दी, और मेरा डाउट। क्या बच्चों बात क्लियर, तीनों ने अलग अलग सम के अमाउंट की गारंटी दी। अब हुआ क्या, डी मेक्स अ डिफॉल्ट, डी कितना पैसा, अब ये नहीं बता रखा कि ई ने डी को कितना दिया, क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ई ने डी को, ये बोल रखा है कि इन तीनों ने अलग अलग बॉन्ड साइन करे। ए ने कहा मैं दूंगा 1 लाख, तो बी ने बोला मैं दूंगा, और सी ने बोला मैं दूंगा, तीनों का मिला के कितना हो गया। क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि इसने इसको 7 दिए, ये नहीं बता रखा क्वेश्चन में। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, मेरा डी मेक्स अ डिफॉल्ट ऑफ 4 लाख, डी 4 लाख वापस नहीं कर पाया ई का। अब ये 4 लाख किसको चुकाना पड़ेगा अगर डी वापस नहीं कर पाया, ए और बी और सी को। यहां पे ध्यान रखना अकाउंट्स का रूल मत लगाना कि सर रेशियो में चुकाएंगे, 147 कहता है कोई रेशियो नहीं चलेगी यहां पे। क्या इन तीनों ने अलग अलग अमाउंट की गारंटी दी है, तो 147 लगाओ यहां पे, या तीनों इक्वली देंगे। ध्यान से बोलो, या तीनों क्या देंगे, एज फार एज देयर लिमिट परमिट। कितना चुकाना है मेरे दोस्तों बताना, 4 लाख। कितने लोगों ने चुकाना है, तीनों। ए ने कितने की गारंटी दी थी, पहले इक्वली चुकाएंगे तीनों 1-1 लाख, इक्वली चुकाएंगे 1-1 लाख, 1-1 लाख तीनों चुकाएंगे तो कितना हुआ दोस्तों बताओ, 3 लाख। देना कितना है, क्या ए अब और चुकाएगा या ए की तो लाइबिलिटी और नहीं है। अब ये दोनों इक्वली चुकाएंगे, ये दोनों बी और सी 50-50 ये दोनों चुका दें कॉमन फास्ट, तो यहां से 1 लाख और आ गया, कितना हो गया दोस्तों बताओ। तो इस कहानी में ए 1 लाख देगा और ये दोनों 1.5 और 1.5 देंगे। रेशियो क्या थी, कोशिश करो तीनों इक्वली दे, पहले कोशिश करी, तीनों ने 1-1 लाख दिया लेकिन अभी भी 4 लाख पूरा नहीं हुआ, ए तो और नहीं दे सकता। तो मैं ये नहीं बोलूंगा 133 तीनों देंगे, मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ए ने कितने के दिए, 1 लाख की। तो फिर बी और सी को अब चुकाना है, कितना कम पड़ रहा है, 1 लाख, तो बी और सी 50-50 चुका दे। ये तब लगाना सेक्शन जब क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों ने अलग अलग अमाउंट की बॉन्ड साइन करे हैं, अलग अलग अमाउंट की दी। मेरा डाउट, क्या बात क्लियर है। ये सेक्शन कौन सा था दोस्तों बताना, 147। अब आया नेक्स्ट हेडिंग, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। बच्चों आपका रेगुलर क्लास कितने बजे से, 3 या 3:30, 3:30 से 7:30 लॉ की और इको की, शानदार। अभी यहां पे भी दो अकाउंट्स की तो नहीं है, आज मैथ्स और इको है, लॉ के बाद लॉ हो जाते हैं, ये वाला फास्ट ट्रैक है, शुगर है ये रेगुलर नहीं है, ये तो रगड़े जाते हाँ, हो जाता होगा बर्दाश्त वैसे तो, चलो कर ही लेते हैं सर क्या, हाँ ये भी बात सही है कि सर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बट ये रिवीजन का तुम्हें, देखो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें रिवीजन पे लोड तो नहीं लग रहा, कोई फायदा हो रहा है रिवीजन का। आज जो बच्चा आया, मान लो ये बच्चा कह रहा है मैं लाइव लेता हूँ, एग्जाम्पल है, जो भी आया चाहे लाइव लेता, चाहे जो बच्चा ले रहा है क्लास, क्या वो 1 घंटा 1.25 घंटा की क्लास है, मान लो 1 या 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में वो बच्चा ये चैप्टर खुद रिवाइज कर लेता, पहले रीड करेगा चैप्टर को समझने की दोबारा कोशिश करेगा, उसी में टाइम लग जाएगा, समझ खुद भी आएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इस चैप्टर को एक बार अच्छे से थरोली पढ़ के समझने में, रीड थोड़ी ना करना तुमने तो समझना है। अब तुम बस ये गलती मत करना, अब तुम ये देखो, तुम मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोग को, एक सजेशन है, रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगा सजेशन है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन वन है
जैसे जैसे केडीए सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लर्न करते रहो, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, जैसे जैसे मैं रिवाइज करा रहा हूँ वैसे किसी एक टीचर को तो वो बना लो ना अपने साथ कि यार आज इस टीचर ने इंडेमनिटी खत्म कर दिया तो मुझे आज इसको लर्न करना है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे साथ चलोगे तो बढ़िया रहेगा, मेरी भाषा में मैं रोज एक चैप्टर कराऊंगा, एक डेढ़ चैप्टर कराऊंगा, आप इसको रोज लर्न। रिवाइज तो मैंने करा दिया, अब इसको और कितना रिवाइज करोगे, अब तो लर्न कर लो, अब तो लर्न कर लो। क्या बात क्लियर है आपको, क्या करना है बच्चों, लर्न। मेरा डाउट, ये कलरफुल नोट्स हैं आपके पास, केडीए सर की बुक है आपके पास, मॉड्यूल है, आपको जहां से मन करे वहां से करो। मेरा डाउट क्या क्लियर, मेरा सवाल ये भी पिछली बार तक वो आ रही थी, पीपीटीज आ रही थी, ये भी बच्चों की सजेशंस आई हैं। मैं बच्चों की बात को बड़ी जल्दी सुनता हूँ। कुछ बच्चों का मैसेज आया, सर क्या पीपीटीज की जगह प्रॉपर कलरफुल हमें बुक्स मिल सकती हैं, क्योंकि पीपीटीज में प्रॉब्लम एक थी, पीपीटीज में शॉर्ट था, पीपीटीज में कंटेंट शॉर्ट था, ये तो प्रॉपर बुक है, इसमें तो कंटेंट पूरा है। तो उन्होंने कहा सर क्या पूरा कंटेंट दे सकते हो और कलरफुल फॉर्म में मिल सकता है, जैसे पीपीटीज भी कलरफुल थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तथास्त, आपने बोला मैंने कर दिया, इज इट ओके। आप कुछ और बोलोगे तो वो भी हो जाएगा भाई सर। नेक्स्ट सवाल, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अरे भाई श्योरिटी को डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज माने फ्री करो। पहला, क्या श्योरिटी रिवोक कर सकते हैं अपनी गारंटी, 130 किसके लिए, पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए, फ्यूचर। सेकेंड, 131 डेथ, क्या डेथ पे भी श्योरिटी की लायबिलिटी पास्ट के लिए खत्म या फ्यूचर के लिए खत्म। सेकेंड, बाय नोवेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट का वो वाला पार्ट, नोवेशन का मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटाओ नया बना लो। पहले ए ने बी को गारंटी दी, कमन फास्ट, बी बाय सी को 1 लाख का, 1 रुपये 1 लाख दे देना। थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा यार इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ो, एक नया बनाती हैं, आप सी को सीधा 2 लाख ही दे दो, पुराना फाड़ के, जब पुराना फाड़ के नया बनाया तो पुराने पे श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म, नए पे लायबिलिटी स्टार्ट। पढ़ा इनोवेशन, मैंने भी रिवाइज कराया था इनोवेशन, मेरा डॉट इनोवेशन समझ आया। अगला वर्ड वेरियंस, वेरियंस मतलब वही मुझे पढ़ा था ना, ऑल्ट्रेशन। इनोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के नया बना लो, ऑल्ट्रेशन में अगर आप, मेरा क्वेश्चन सब बच्चे बताओ, चेंजेस में एक इनोवेशन में पे क्या, पहले इनोवेशन को रिकॉल कराओ, इनोवेशन में श्योरिटी की लायबिलिटी 1 लाख के लिए खत्म, 2 के लिए दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी खत्म, नए में लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात क्लियर। अब वेरिएंस समझना, ए ने बोला बी को, बी भाई आप सी को 1 लाख दे दो, अगर बी ने सी को 1 लाख दिया और आपस में बी और सी इस लिमिट को बढ़ा दे, वेरिएंस कर रहे बी और सी किससे, बिना पूछे, कमन फास्ट, विदाउट श्योरिटीज कंसे, तो अब आप बताओ क्या हो, श्योरिटी पूरे 1.5 लाख के लिए डिस्चार्ज है, नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट वेरिएंस के बाद के टर्म्स के लिए डिस्चार्ज है, वेरिएंस से पहले के टर्म्स के लिए, एक मिनट दोबारा मैं बोलता हूं दोबारा, वेरिएंस से पहले टर्म्स थी 1 लाख, वेरी करके कितना कर दिया, डेढ़। श्योरिटी डेढ़ के लिए लायबल नहीं है श्योरिटी, लेकिन किसके लिए लायबल है, याद रखना, डिस्चार्जेस द श्योरिटी टू द ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू वेरिएंस, वेरिएंस के बाद के लिए लायबल नहीं है, वेरिएंस के पहले के लिए, यानी श्योरिटी 100% के लिए लायबल नहीं है। क्या हुआ बच्चे, कैन वी प्रोसीड, 133 क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म हो जाए तो श्योरिटी की लायबिलिटी का क्या होगा, मतलब बी ने सी को लोन दिया, सी ने ही लोन वापस कर दिया, सी ने लोन वापस करा तो सी क्या हो गया दोस्तों बताओ, कौन रिलीज या डिस्चार्ज हो गया, अगर नहीं नहीं कौन पहले रिलीज या डिस्चार्ज हुआ, अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज या डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी भी तो डिस्चार्ज हो गया, यानी सी ने अगर पैसे चुका दिए बी के तो भैया एक अभी तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो। वेरिएंस, वेरिएंस क्या था बच्चे, अगर ए से बिना पूछे बी और सी कमन फास्ट, ए ने एग्जांपल चेंज कर देते हैं, बी ने सी को बोला आप एक काम करना 10 बार गुड्स उधार पे दे देना, किसको, सी को 10 बार, इन्होंने लिमिट को बढ़ा के 15 कर लिया, अब आप बताओ श्योरिटी ने कितनी बार बोला था, इन्होंने श्योरिटी से बिना पूछे 10 का 15 कर लिया, तो क्या होगा, 10 के लिए तो श्योरिटी लायबल रहेगा, लेकिन ये जो 5 ट्रांजेक्शन हैं वो वेरिएंस के बाद के होंगे, उनके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, उसके लिए सी लायबल है बी को भैया, और अगर सी नहीं चुका पाया तो बी की गलती,
बी किसी को कुछ नहीं कह सकता, बी ए को कुछ नहीं कह सकता उस केस में। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? जोर से बोलो जय माता दी। हाँ जी, आप तो बोल दो भाई, क्योंकि आप तो नवरात्र है आज, तो आपने पूछ ली, आप में से कहीं होंगे घर में पूछ ली गई होगी आज, पूड़ी पूड़ी खा के आए होंगे, खा के आए हैं पूड़ी कोई, फिर कैसे जाग रहे हैं? वो तो आए ही नहीं बेचारे, तो पूड़ियां बंदा खा ले उसके बाद तो फिर बेहोशी हो ना, नहीं तमीज से खाओ, तमीज से खाओ तो बेहोश नहीं होगी, दो पूड़ियां खा लो तो कौन बेहोश होगा, लेकिन तुम बैठ जाओ ले आओ जितनी है ले आ, तो फिर तो भाई। हाँ जी, पूड़ियां खाने के बाद अगर एक ग्लास लस्सी का ठंडी पी लो साथ, फिर तो शाम तक नहीं उठेंगे। कभी ये करा ट्राई किसी ने, पूड़ियां खाई हों और उसके बाद मेरा डॉक्टर लस्सी पी लो तो उसके बाद तो पूरा दिन, या आप हाईवे पे जाओ ना पंजाब की, हरियाणा में जाओ ना NH1 पे चलो, लस्सी वाला है बड़ा फेमस, नाम मेरे माइंड से उतर गया उसका, काम लस्सी का ही नाम है, लस्सी वाला नाम मैं भूल गया उसका क्या है, शायद 100 रुपये की 80 रुपये का ग्लास देता है वो लस्सी का। वो जब भी मैं, मेरी वाइफ मुझे जाते समय दिल्ली से जब हम जा रहे हैं पंजाब की तरफ, कभी नहीं पीने देती, आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं पीने देती, कहती तुमने पीने ड्रिंक एंड ड्राइव, वो पीने नहीं देती। वापसी में तो मैं पीता हूँ, मैं भाई मैं पीऊँगा, जैसे मैंने पी, मुरथल के पास है, मुरथल से रोटी खाई उसके बाद लस्सी पी ली, उसके बाद मैं गाड़ी की चाबी उसको दे देता हूँ, अब तू चला मैं तो पीछे जाके, मुझे पता भी नहीं लगता दिल्ली कब आया, इतनी प्यारी नींद आती है। हाँ जी, मेरा डाउट, लेट्स कम बैक, 134 over 135, देखो तीन वर्ड से ध्यान से सुनना, देखो प्लीज एक मिनट सुनना, क्रेडिटर कंपाउंड्स विद यानी कंपोजिशन और गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू सी यू, तीन बातें 135 में। पहला वर्ड क्या है बच्चे बताओ? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब वही, आप वेरिएशन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, अभी पढ़ा था 133, कंपोजिशन का मतलब क्या है आपके मॉड्यूल में, कंपोजिशन का मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर आप वेरिएशन कर रहे हो, वेरिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों बताओ? कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर रहे हो किससे, बिना पूछे, विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी, तो श्योरिटी लायबल या श्योरिटी डिस्चार्ज। अगला वर्ड प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू, हुआ क्या, सेकेंड पॉइंट देखना, प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू, ए ने बी को बोला बी भाई अब सी को कमन फास्ट 1 लाख दे दो 6 महीने के लिए, अगर 6 महीने में वो आपका पैसा नहीं चुकाता, 6 महीने पूरे हो गए, मेरा सी बोला बी भाई मैं आपके पैसे अभी नहीं चुका पाऊंगा, मुझे 1 महीना और दे दो, बी ने ए से बिना पूछे टाइम बढ़ा दिया, किसका टाइम बढ़ा दिया, क्या ये गलत कर दिया, किससे बिना पूछे टाइम बढ़ा दिया, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से बिना पूछे, तो श्योरिटी लायबल है या श्योरिटी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज। अगर आपने श्योरिटी से बिना पूछे, किसने गलती करी है इस एग्जांपल में बताओ, क्रेडिटर ने किसका टाइम बढ़ाया, मेरा डाउट, क्या क्रेडिटर की यह ड्यूटी होती है, रेड वाला पढ़ना, क्रेडिटर की क्या ड्यूटी है श्योरिटी को टुवर्ड्स श्योरिटी नॉट टू अलाउ, ध्यान से पढ़ो, नहीं देना चाहिए उसको और टाइम, देना है तो किससे पूछ के दो, बिना पूछे दोगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज, क्या बात क्लियर। तीसरा केस प्रोमिसेस नॉट टू सी यू, बच्चों ये बड़ी अजीब बात है, अगर ध्यान से सुनो बी सी से प्रॉमिस कर ले, सी मैं तेरे पे कभी केस नहीं करूंगा, वाह मैं तेरे से नहीं लूंगा पैसे, तेरा मेरा प्रॉमिस हो गया, वाह प्रिंसिपल डेटर का किससे के साथ एग्रीमेंट हुआ, क्रेडिटर किससे बात कर रहा है दोस्तों बताओ, कि तेरे को कभी सी यू नहीं करूंगा, तो श्योरिटी बोला वाह वो तेरी बुआ का लड़का लग रहा है उस पर केस नहीं करेगा, मेरा अगर तू उस पर कभी केस नहीं करेगा तो भैया मैं भी डिस्चार्ज, क्या बात कर, अगर तू उसके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है कि तू उस पर कभी, तो मैं भी डिस्चार्ज। क्या तीन बातें समझ आई 135 में? आवाज नहीं आई? मेरा डाउट अब आया 139 भी काफी अच्छा है, अगर क्रेडिटर कोई ऐसी चीज कर दे, कोई ऐसी एक्ट कर दे या कोई ऐसा ओमिट कर दे कुछ, या तो कुछ करे या तो कुछ ओमिट कर दे जिससे श्योरिटी को नुकसान हो जाए, दोबारा क्रेडिटर कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसको नुकसान हो जाए बड़े भाई, श्योरिटी को नुकसान, मेरा डाउट। बच्चे मेरा क्वेश्चन है सबसे, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये वाला सुप्रीम कोर्ट का केस बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ 139 को जस्टिफाई करने को। ए ने बोला बी भाई आप सी को अपने यहाँ अकाउंट्स की जॉब में रख लो, बी भाई आप सी को अकाउंटेंट बना लो,
अब सी को जॉब पे कमन फास्ट रख लो, अगर वो कोई हेरा फेरी करेगा कमन फास्ट तो मैं पैसे दूंगा, लेकिन भाई मुझे ना बताते रहना अगर वो कोई हेरा फेरी करे। कौन बोल के गया? अच्छा लड़का है बी भाई, सी को रख लो अकाउंट्स में, कोई हेरा फेरी करेगा उसकी भरपाई, बट भाई मुझे बताते भी रहना। क्या बात क्लियर? अब मेरा लौट, थोड़े दिनों बाद सी ने पहली चोरी करी 100 रुपए की बुक्स में, बी ने इग्नोर कर दी। उसके कुछ दिन बाद फिर से चोरी हुई 500 रुपए की, सी ने करी, बी ने अभी भी इग्नोर कर दी, किसको नहीं इन्फॉर्म किया। थोड़े दिन बाद फिर एक चोरी हुई 1000 रुपए की, अभी भी बी इग्नोर कर रहा है। बी का ये ओमिशन, बी जो ये इग्नोर कर रहा है, इससे किसको नुकसान हो रहा है? उसके कुछ दिन बाद जब सी देख रहा है कि यार मैं जो मर्जी चोरी करूं बी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, एक दिन 1 लाख लेके भाग गया सी। अब भी रोता रोता गया किसके पास? भाई तेरा बंदा 1 लाख लेके भाग गया। तो इन्हें एक सीधा क्वेश्चन पूछा, सीधा 1 लाख लेके भाग गया, इतनी हिम्मत थी सब उसकी? बी के मुंह से सच निकल गया, नहीं पहले 500 की चोरी करी, फिर 1000 की करी, 100 की करी, वो तो छोटी मोटी थी। कहता उसने चोरी करी, आपने उसको कुछ नहीं करा? कहा मुझे भी नहीं बताया, अगर आप उसको डांट नहीं सकते थे तो मुझे बताते, मैं डांट देता। कहता नहीं, कहता सर आपने भी नहीं कुछ कहा, मुझे भी नहीं बताया, ये गलती आपने तो मेरा नुकसान करा दिया, अगर छोटी चोरी थी मैं उसी समय उसको डांट देता तो ये बड़ी चोरी, ये आपकी गलती, आपने ओमिट करा, आपने मेरा नुकसान किया, सॉरी सर मैं आपको नुकसान की भरपाई नहीं करूँ। अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसको नुकसान हो जाए अल्टीमेटली, श्योरिटी को, तो श्योरिटी। सब बच्चे ये सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ के आना अपने आप। लोन किसने दिया? बैंक ने, यानी बैंक क्रेडिटर है। यस, मेरा डाउट, किसके आधार पे लोन मिला कोई बताएगा? गोडाउन में जो स्टॉक पड़ी है, लोन को गारंटी किसने दी है? श्योरिटी, दुकानदार का गोडाउन, किसी गोडाउन वाले का गोडाउन में जो माल पड़ा है उसने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने उसकी गोडाउन के सामान को क्या लिया दोस्तों? गिरवी रख के क्या दे दिया? द गुड्स वर लॉस्ट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल। गोडाउन में सामान पड़ा था, गोडाउन में, एक मिनट आराम से सुनो, किसका माल था? किसी बंदे का माल था, उसने अपना माल किसको दे दिया? क्या, अच्छा जब आप बैंक के पास सामान गिरवी रखते हो क्या बैंक के भी अपने गोडाउन होते हैं जहाँ बैंक आपका सामान रखता है? क्या वहाँ बैंक लॉकर्स नहीं होते? बैंक के पास छोटा सामान तो लॉकर में जाता है, बड़ा सामान तो बैंक के पास भी जगह होती है जहाँ बैंक आपका सामान रखता है, और क्या उस जगह पर प्रॉपर सिक्योरिटी रखता है बैंक? आवाज़ नहीं आई? बैंक ने इस एग्जांपल में क्या हुआ, बैंक के पास जो सामान रखा था, एक बंदे ने अपना गोडाउन में, गोडाउन का अपना स्टॉक, बैंक के ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया, बैंक के गोडाउन से वो सामान चोरी हो गया, किसका नुकसान हुआ अल्टीमेटली? श्योरिटी का। क्या मेरा डाउट, आंसर दो, श्योरिटी लायबल है, या जितने का स्टॉक था चोरी हुआ है उतने के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज है? क्योंकि गलती किसकी है कोई बच्चा बताएगा? बैंक की गलती है, बैंक के लड़कों ऑफिसर्स ने ध्यान नहीं दिया इसमें, क्या मैं बोल सकता हूँ बैंक ने, बैंक के ऑफिसर्स ने ऑमिट किया चीज को, किसका नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली बताओ? तो जितने का स्टॉक चोरी हो उतने के लिए श्योरिटी कमन फास्ट लायबल है या डिस्चार्ज है? क्या बात क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का ये केस समझ आ गया? आवाज नहीं आई? कोई बात रिपीट करूं बच्चे? आवाज नहीं आई? कह रहे हाँ रिपीट करूं? यस सर। कह रहे यस सर, सारा चैप्टर रिपीट कर दो। मेरे तरफ से क्वेश्चन है, सच सच बोलियो, बोलेगा नहीं? इससे 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 तू ये फास्ट ट्रैक क्लास में तो 2 बार अंदर बाहर हो लिया, तो रेगुलर क्लास में तेरा क्या हाल होता है? आंसर तो दे दे। भाई साहब कितनी बड़ी बात है, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं होता, सुन नहीं सकते जा? मेरी फास्ट ट्रैक क्लास में तो 2 बार घुमाया बार, 2 बार अच्छा मेरे घर से भी तो कॉल आ सकते हैं। क्या मैं एक मैसेज टाइप कर सकता हूँ कि अभी क्लास में हूँ, कुछ अर्जेंट है तो आप टेक्स्ट करो, और वाकई कुछ अर्जेंट है तो मैं कॉल
सुनूंगा फिर तो, है ना बच्चे। देखो ना आप मेरी एक बात सुनो, मैं डांट नहीं रहा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। अभी मेरा कॉल आया, दो तीन बार बेल बजी, मैंने फोन साइलेंट कर दी। अगर मैं कॉल उठा लूँ तो ये क्या डिसिप्लिन है? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं क्लास में कॉल उठा के बात करना शुरू कर दूँ, इज देयर डिसिप्लिन? आप मजबूरी में उठ के जा रहे हो वॉशरूम, नेचर कॉल है, नेचर कॉल को मैं भी नहीं रोक सकता, ठंडा ए सी है बहुत, है ना, तो वो तो नेचर कॉल है। लेकिन उसके अलावा अगर आप, हाँ जी मेरा डाउट अभी बोलता हूँ भैया को, भैया थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, आई मीन टू से एसी की कूलिंग कम कर दो। हाँ, कैन वी प्रोसीड? श्योरिटी डिस्चार्ज है 139 आपने पढ़ा यहाँ पे। अब कुछ तीन केसेस सीखो जहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला केस 136, बच्चों ए ने बी को बोला, अरे भाई बी सी को कितना पैसा दे दो, ध्यान से सुनना आपको मैं 130, ध्यान से सुनना 135 मैंने पढ़ा दिया, 136 अब मैं सिखा रहा हूँ, 137 साथ में समझाऊंगा, तीनों में डिफरेंस पकड़ना है आपने, तीनों में कंसेप्ट अलग अलग है, तीनों सेम एग्जांपल्स है। बी ने सी को लोन दिया था एक लाख का लोन दिया था। यहाँ पे बी ने सी का टाइम बढ़ा दिया, बी ने सी से बात करी और ए से बिना पूछे बी ने सी का टाइम बढ़ा दिया। क्या बी और सी की आपस में सेटिंग थी जिसमें बी ने सी का टाइम बढ़ाया? अगर बी ने सी से बात करके उसका टाइम बढ़ाया ए से, तो ए डिस्चार्ज था सेक्शन कौन से में? 135। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? लेकिन अब आगे देखो, अगेन बी ने सी का टाइम बढ़ाया लेकिन सी से बात नहीं करी, ए से बात नहीं करी, थर्ड पार्टी से बात करके, कोई बच्चा हेल्प करेगा? मेरा हो 6 महीने के लिए लोन दिया था, 6 महीने पूरे हो गए, कमन फास्ट। बी गुस्से में सी पे केस करने जा रहा है, एक थर्ड पार्टी मिली, कहती है यार मंदा है बाजार में, 15-20 दिन और दे दे यार उसको। एक थर्ड पार्टी के कहने पे बी ने किसका टाइम बढ़ा दिया? किससे बात नहीं करी? सी से भी बात नहीं करी। यहां सेक्शन कौन सा लग गया? 136 कब लगाना है कमन फास्ट? जब किसी थर्ड पार्टी से बात करके क्रेडिटर ने, और 135 कब लगाना है? जब बी क्रेडिटर ने किससे बात करके टाइम बढ़ाया? अगर प्रिंसिपल डेटर से बात करके टाइम बढ़ाया तो यह माना जाएगा कि बी और सी का फ्रॉड है, तो श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दो। बट जब क्रेडिटर ने ना बी से बात करी ना ए से बात करी, थर्ड पार्टी से बात करके टाइम बढ़ाया, तो क्या यह माना जाएगा कि बी कोई फ्रॉड नहीं कर रहा ए या सी किसी ए के साथ, वैसे इंटेंशन से टाइम बढ़ा रहे? ए लायबल है या ए डिस्चार्ज है? ए कमन फास्ट नॉट डिस्चार्ज, ए डिस्चार्ज नहीं होगा। सेक्शन कौन सा लगेगा बताओ? 136। क्लियर? आराम से देखना 136, 137 डिट्टो सेम। मेरा डॉट फिर से बोलो, बी ने 6 महीने के लिए लोन दिया था, यस और नो? 6 महीने पूरे हो गए, बी ने किसी को नहीं कुछ बोला, अपनी मर्जी से टाइम बढ़ा दिया 135, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद 134 है बेटा, हाँ 135 है, ठीक है 135 में किससे पूछ के टाइम बढ़ाया? 136 में, 137 में किसी से नहीं बात करी, अपने आप मन अपने मन से कहता है यार 6 महीने हो गए, जल्दबाजी क्या करनी, 15-20 दिन वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी से नहीं पूछा, क्या मैं बोलूँ श्योरिटी डिस्चार्ज है अगर बी ने अपनी मर्जी से टाइम बढ़ाया, या डिस्चार्ज नहीं है? अगेन डिस्चार्ज नहीं। तो टाइम बढ़ाने को लेके तीन सेक्शन है, 135, 36, 37। आपको देखना है आपको कौन सा कब लगाना है। बी ने सी से पूछ के टाइम बढ़ाया 35, बी ने थर्ड पार्टी से पूछ के टाइम बढ़ाया 36, बी ने अपनी मर्जी से टाइम बढ़ाया 37। सिर्फ 135 में ए डिस्चार्ज है, 136 और 137 में ए डिस्चार्ज नहीं है। बोलो भाई बोलो, क्लियर है? मैंने 136 सिखा दिया, 137 सिखा दिया, क्या बात क्लियर है? हाँ भाई ठीक है तू यार? नहीं हाँ ठीक है, सो गया था? हाँ जी, आज ज्यादातर गर्ल्स छुट्टी पे हैं, कंज के जरा वही पूंज रही है क्या बैठ के? हाँ जी, कंजक बन के जा रही है क्या वो इधर उधर? हाँ जी, मेरा डाउट, हमारी कॉलोनी में मैं सुबह सुबह बाहर खड़ा हुआ अपनी गैलरी में, 9-1 बजे का टाइम था, बहुत सारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां भाई सब बैग टांग रखे स्कूल के सबने, बड़ा बड़ा उनका माल,
समझ रहे हो बात को, बैग भरे पड़े उनके, वो इस घर से उस घर में, उस घर से वो 8-10 थी लाइन बना के, ट्रेन की लाइन बना के वो इस कोठी में जा रही है, उस कोठी में जा रही है। मैं मम्मी से पूछा, मैं कहा मम्मी ये क्या है? बोले बेटा कंचके हैं। मैं, बड़ा अच्छा फैशन है यार, बड़ा अच्छा कल्चर है। तो कहती बेटा ये, मैंने कहा इनका स्कूल नहीं है क्या? मजे की बात, आज वर्किंग डे है, वो बच्चियाँ छुट्टी मार के बैठी हैं, कंजक इकट्ठी करनी है। नहीं तो वर्किंग डे है आज, तो कल रामनवमी है, कल छुट्टी है, आज थोड़ी सी छुट्टी है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, रिलीज ऑफ वन कोश्योरिटी। सब बच्चे बताओ, 138, रिलीज ऑफ वन कोश्योरिटी। अब देखो दोस्तों, सोचो ए और ए डैश ने बी को बोला, बी भाई आप सी को 1,00,000 दे दो। कितने कोश्योरिटीज हैं? 2, ए और, अगर बी ए डैश को रिलीज कर दे, बी ए डैश को रिलीज कर दे, आराम से सोचना क्या हुआ, किसने किसको रिलीज किया? क्रेडिटर ने एक कोश्योरिटी को रिलीज कर दिया, तो सोच के जवाब देना, ए का क्या होगा? ए पूरा देगा, ए डिस्चार्ज होगा या ए पूरे के लिए लायबल रहेगा? ए पूरे के लिए लायबल रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ए आधा हिस्सा ए डैश से रिकवर कर सकता है? आवाज नहीं आई? यस सर, बिल्कुल कर सकता है। तो हेडिंग चल रही है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, हेडिंग को रिलेट करो। अगर क्रेडिटर ए डैश को छोड़ देगा, अगर क्रेडिटर एक को श्योरिटी को रिलीज कर देगा, तो दूसरा भी रिलीज हो जाएगा या दूसरा रिलीज नहीं होगा? दूसरा पूरे के लिए लायबल रहेगा, दूसरा पहले से बाद में रिकवर कर लेगा। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? ये सेक्शन कौन सा था बच्चों? 138। मेरा डाउट आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में 142, 143, 144 छोड़ा था। मैं अभी मिलवा दूंगा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कवर, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता मैडम, आज जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आज अष्टमी है ना, थोड़ा सा आज कम पढ़ा लेते। क्लियर? मेरा डाउट, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म। इनवैलिड गारंटी, तीन गारंटीज को इनवैलिड माना जाएगा। सब बच्चे बताओ, इनवैलिड गारंटी मतलब तीनों में श्योरिटी लायबल नहीं होगा। पहला, अगर उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो, अगर उसके साथ फ्रॉड हो। दोनों बच्चे जल्दी से वर्ड समझाना। पहला वर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन क्या था? इंटेंशनली गलत झूठ बोलना या अनइंटेंशनल? अगर बी ने अनइंटेंशनली ए को धोखा दे दिया, अनइंटेंशनली, दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, बी ने कमन फास्ट अनइंटेंशनली किसको धोखा दे दिया? ए को। और ए ये बात प्रूफ कर दे कि बी ने मुझे अनइंटेंशनली धोखा दिया है, तो ए लायबल या ए नॉट लायबल? ए नॉट लायबल, गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी अगर बी ने, सेकेंड ये 142 है, अगर बी ने जानबूझ के धोखा दिया ए को, जानबूझ के छुपाई, बी ने जानबूझ के कोई चीज छुपाई ए से, तो वो कंसीलमेंट है। कंसीलमेंट मतलब जानबूझ के कोई चीज है, क्या ये फ्रॉड है बेटा बताओ? मेरा अगर बी ने जानबूझ के कोई चीज ऐसे छुपाई है, जैसे वो एग्जांपल दिया था मैंने, सी दुबई लेके पैसे भागने वाला था, बी को ये बात पता थी, बी ने ये बात, ये मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है बी या फ्रॉड कर रहा है? ए लायबल या नॉट लायबल? ये गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी दोस्तों। तो 142 और 143 में फर्क बताओ, और 143 में इंटेंशनल है। अगला सवाल 144, लास्ट। बच्चों अगर ए बी को ये बोले, बी भाई आप सी को 1,00,000 का लोन देना मत अभी, थोड़ा वेट करो। ए बोले, बी बोला, दोबारा बोल क्या बोला? बी भाई आप ना सी को 1,00,000 का लोन अभी मत दो। तो बी बोले कब दूं? रुको, मेरा एक दोस्त है ए डैश, वो आएगा ना, वो कोश्योरिटी एक और आ जाएगा ना, तो हम दोनों मिलके गारंटी देंगे आपको, तब दे देना लोन। दोस्तों सुनाई दी आपको बात, बी भाई आप सी को लोन दे दो या अभी मत देना? कब देना? जब एक और कोश्योरिटी आएगा, वो मेरे साथ मिलके आपको गारंटी देगा। अगर एक रीजनेबल टाइम तक ए डैश नहीं आया, तो क्या ये गारंटी एक ही मानी जाएगी या ये इनवैलिड मानी जाएगी? इनवैलिड है ये गारंटी, वैलिड मानी नहीं जाएगी। तो मेरा डॉट, यही तो बात लॉ मेकर लिखता है यहां पे, वेयर अ पर्सन गिव्स गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट। क्रेडिटर एक्ट ना करना, क्रेडिटर आप सी को लोन मत देना अंटिल अनदर पर्सन हैज द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ इट इफ दैट अदर पर्सन, किसी भी रीजन से वो अदर पर्सन नहीं पाया, जेन्युइन या नॉन जेन्युइन, किसी भी रीजन से अगर ए डैश नहीं आया, तो क्या गारंटी वैलिड होगी या वैलिड नहीं होगी? नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? चलिए जी, यहां पे आके आपका ये टॉपिक फिनिश हो। एक बार दिखा देता हूं,
मैंने ये छोड़ा था, टिक लगा दिया, हो गया था ये वाला पॉइंट, और दिखाता हूँ, ये दो छोड़े थे। अब देखो, गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट करा दिए, 143, 142, 144 ज्वाइनिंग ऑफ, एक और कोश्योरिटी आएगा, क्या करा दिया ये वाला पॉइंट, हटा दूँ इसको भी, और कोई चीज़ देख लें, कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं थी मैंने, नहीं बेटा, ये लो जी, यहाँ पे आके आपका, ये आपको मैं नोट्स भेजूंगा, घबराना मत, ये पीछे ये टाइपिंग नहीं कर पाया लड़का, आप खुद लिखना चाहो तो लिख लेना अपने घर पे, ये पूरी सीरीज है, लिस्ट मैंने पूरी सेक्शन की दी है। सर सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे, बिना सेक्शन के आंसर लिखना गलत बात है। हाँ जी, मार्क्स अच्छा, फाउंडेशन में ऑप्शनल है, इंटर में कंपलसरी है। इस बात पे आता हूँ पहले, मैं इस बात को पहले इस बात पे आते हैं, फाउंडेशन में ऑप्शनल है, इंटर में मैंडेटरी है, तो फिर फाइनल में तो महा मैंडेटरी होंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है भाई साहब, ICAI है तो मुझे बता दो, मैं पढ़ लेता हूँ नोटिफिकेशन। संगीत सर का इंटेंशन क्या था मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ये कह रहे होंगे कि बेटा अगर लर्न हो सकते हैं तो कर लो, गलत मत लिख के आना, गलत लिख के आओगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मान लो एक बच्चे का आंसर सही है लेकिन बच्चे का स्टार्टिंग का सेक्शन गलत है, मान लो उसने 42 लिख दिया पर सेक्शन कंटेंट उसने 41 लिखा है, कंटेंट 41 का है शक्ल, तो एग्जामिनर पूरा काट देगा क्योंकि एग्जामिनर पहले सेक्शन नंबर पढ़ता है। अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न करो, दोबारा बोल रहा हूँ, लर्न कर सकते हो तो लर्न करो, हाँ अगर श्योर नहीं हो तो बिल्कुल भी लिख के मत आना। आंसर लिखने से तुम्हारे आंसर की कमन फास्ट प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। सर मार्क्स कटेंगे, देखो बेटा मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता कि मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, अगर आंसर बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, सेक्शन नंबर नहीं लिखा, हो सकता है एग्जामिनर पूरे दे दे क्योंकि आंसर बहुत अच्छा लिखा, दे सकता है एग्जामिनर पूरे, बट आप इंस्टीट्यूट का एक बार सजेस्टेड खोल के देखो कि हर आंसर पे सेक्शन नंबर लिखा है उन्होंने, आप बताओ मुझे मॉड्यूल में जो आंसर्स गिवन है उनके, कि उन्होंने हर आंसर में सेक्शन नंबर लिखा है, तो एडवाइजेबल है तुम लोगों को, अगर सेक्शन लर्न कर सकते हो तो लर्न कर, हैबिट बन जाएगी ना, अगर अभी से लर्न करोगे तो इंटर में दिक्कत नहीं आएगी, क्या बात क्लियर, और कोई बड़ी बात नहीं है, लर्न हो जाएंगे सेक्शन अगर तुम ट्राई करो। आज के लिए वाइंड अप करते यहीं पर, आपसे मुलाकात अब कब होगी, कमन फास्ट थर्सडे को सेम टाइम पे, थर्सडे को मैं क्या करवाऊंगा, कमन फास्ट पूरा खत्म करवाऊंगा बेलमेंट एन, और सैटरडे को मैं क्या खत्म कर दूंगा, तो मेरा इस वीक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए वाइंड अप करते हैं, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।